तो आवाज, हाँ ठीक है, क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुजीत कुमार है और पिछले 16 वर्षों से मैं क्लास ले रहा हूँ हिस्ट्री जीएस, और करीब करीब 12 वर्षों तक हमने हिस्ट्री ऑप्शनल की भी क्लासेस ली हैं, जो अब नहीं लेता हूँ पिछले 3.5-4 वर्षों से, छोड़ रखा है मैंने उसको पढ़ाना, है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक पृष्ठभूमि रही है हमारी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, कुछ और भी बहुत सारे अनुभव हैं, ड्यू से और भी कोर्सेज हमने कर रखे हैं, कुछ कुछ पढ़ाने का भी अनुभव रहा है, ठीक है। और एक लंबी यात्रा है, मैं विजन आईएएस अपनी जो टीम है, पहले बैच से मैं यहाँ पे हिस्ट्री और जितने भी उसके पार्ट्स हैं सबके क्लासेस ले रहा हूँ मैं, है ना। तो आप सब लोगों का पहले तो स्वागत करते हैं हम, है ना, एक नई दुनिया में। आपने डिसाइड किया, आप सभी लोगों ने, कि भाई मुझे आईएएस बनना है, इस एग्ज़ाम को देना है। डिसीज़न लेना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है, उसके पहले बहुत सारे द्वंद होते हैं मन में। लाइफ में आप देखेंगे तो जब जब दो राह आता है ना, तो द्वंद तो वैसे लगा रहता है लाइफ में, ठीक भी है, फिर एक निर्णय होता है, 10वीं के बाद हम क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, ठीक है, अब ये दें या ना दें। चलो आईएएस का एग्जाम हमें देना है, हमने मन बनाया है, ठीक है, तो खुद से करें या कोचिंग करें, खुद से करें तो कैसे करें, कोचिंग करें तो फिर कहाँ करें, बहुत सारे द्वंद होते हैं। उन सब बाधाओं को कहीं ना कहीं आप पार करके तोड़ते हुए डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब मुझे बढ़ना है। और ठीक है, जब आपने एक डिसीजन लिया है तो उसके साथ फर्म रहना उस डिसीजन के साथ, है ना। आज कुछ खास बातचीत नहीं करेंगे आपसे हम, कोई विषय में बहुत आपको उतारने नहीं जा रहा हूं मैं आपको, एक लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा की एक छोटी सी शुरुआत है। जरा एक रिदम मैं आपका सेट करूं, एक टोन सेट करूं आपका, पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत एक अवेयर करूं, मैं कैसे आपको लेकर चलूंगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए ओवरऑल। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर एक बैच में, ठीक है, स्टूडेंट्स के, तो शुरुआती क्वेश्चंस सब हमारे जहन में रहते हैं, कुछ उन चीज़ों को एड्रेस करूँ मैं, और फिर मॉडर्न इंडिया का एक पेस सेट कर दूंगा आज क्लास में, कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शुरुआती टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए आपको घर पे क्या थोड़ा बहुत वर्क करना होगा, हमारे साथ साथ क्या रिदम होगा, ये सब हम सेट करेंगे आज हम क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताऊं मैं, कि हाँ, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं क्लास के शुरू में ही, कि दो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे साथ अभी क्लास में बैठे हुए, सौरभ सर, मैम ने बताया होगा शायद आपको कि हमारे टीम के होते हैं, और ऑनलाइन ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे शशि शेखर सर हैं, है ना। कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन आएंगे आप, मतलब हम लोग एक टीम के तौर पे हैं, ठीक है, तो हम मिलके ही मतलब इस क्लास को आगे रन कराते हैं। देखो, जब एक बार हमने लाइफ में डिसाइड किया कि हमें बनना है, तो उसके साथ साथ नकारात्मक चीजें भी मन में रहती हैं थोड़ी बहुत, पर आप देखोगे सभी बाधाओं को कहीं ना कहीं आपने तोड़ते हुए डिसाइड किया कि हमें बनना है, खींचने वाली बहुत सारी फोर्स रही होंगी। मेरा जो अब तक का अनुभव है पिछले 16 वर्षों का, और व्यक्तिगत तौर पे जब मैं क्लासेस अपनी ऑप्शनल वाली लिया करता था, तब सारे अनुभव को मिला दे तो हमने मतलब कई सौ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते हुए देखा, कई सौ, मतलब हर एक साल तो मतलब हंड्रेड्स में तो रिजल्ट हमारे विजन आइए से ही होते हैं, ठीक है। हर तरह के यहाँ क्लासेस होती हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हों, जो टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हों, जो इंटरव्यू गाइडेंस के स्टूडेंट हों, मतलब बट मोर देन मतलब 100 स्टूडेंट तो यहीं से क्वालिफाई करते हैं ना। तीन बातें हमने नोटिस करी हैं हर एक स्टूडेंट्स में, ठीक है, उसमें एक बात बहुत मायने रखता है, आप सफल होंगे या नहीं होंगे उसमें, वो पॉइंट को हमेशा जीवंत बनाए रखना है। तीन बातें मैंने क्या क्या नोटिस करी हैं जो स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। एक हमने नोटिस करी है कि गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है, मार्गदर्शन का, क्योंकि समय समय पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं तैयारी के दौरान, क्लास के साथ साथ भी होंगे, क्लास से इतर भी कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे होंगे, मार्गदर्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। मार्गदर्शन किसी रूप में होता है, कोचिंग के रूप में भी होता है, जो जैसे आपने ज्वाइन किया यहाँ पे,
आपके कोई परिवार के मेंबर भी हो सकते हैं, कोई सीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। मार्गदर्शन ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रहेगा ना। तीन चीजें जो मैंने नोटिस की हैं उसमें गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल हमने देखा है। ये आपका समय बचा देगा और एक ट्रैक पे रखेगा। गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कोई हर एक साल हजारों स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, 800, 900, 1000, 750, जितनी वैकेंसी होती है उतनी क्वालिफाई करते हैं। सबके कुछ बेसिक तरीके कॉमन होते हैं, बाकी सबके तरीके अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता एकदम कि मतलब एक ही मॉडल पे कोई चल के क्वालिफाई कर रहा है, बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ बेसिक बात है जिसको सब फॉलो करते हैं, वो हम अभी बात करेंगे इसके बाद आपसे। दूसरा मैंने क्या देखा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो तैयारी जब शुरू करते हैं ना तो मार्गदर्शन तो रहता है, बट कई सारे दबाव में रहते हैं जिसमें एक आर्थिक दबाव भी होता है या समय का बंधन भी होता है कई बार। जैसे आपने सोचते कि नहीं मुझे 23 में निकालना, बहुत अच्छी बात है, बट अभी आपको ये नहीं पता ना कि कितनी गहराई में जाना है सिलेबस के, कहाँ तक यात्रा करनी है, आपको अभी पता नहीं है। जब तक हम सही तरीके से मार्ग को नहीं समझ पाएंगे, कैसे हम मंजिल को आंक लेंगे। हम ये सोचना कि मुझे बनना है बहुत पॉजिटिव साइड होता है, बट ये तय होता है जब आप उस यात्रा पे थोड़ा बहुत आगे आप बढ़ पाते हैं। बहुत सारे दबाव आते हैं, हमने देखा है जैसे कई स्टूडेंट्स आर्थिक दबाव में भी, कई का पारिवारिक दबाव हमने देखा है, जो ठीक है, कई समय को लेकर के कॉन्स्टेंस होते हैं उनके पास, है ना। तीन बातें, तो आपको इन सब दबावों को झेलना ही होगा क्योंकि आपके गोल से बड़ी कोई चीज नहीं होती और अचीवमेंट्स का मतलब यही होता है। सबके अलग अलग बैकग्राउंड से सबकी अलग अलग चुनौतियां होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखा लोन लेके भी पढ़ने आ जाते हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपका गोल जो आपने बनाया, सेट किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई बिना चुनौतियों के इतिहास तो बनते नहीं है। एकदम से थाली में परोस के दिया जाए तो उसका कोई आनंद नहीं आता है, और ठीक है तुम्हें आईएएस बना दिया गया चलो, तो आप कभी फील ही नहीं कर पाओगे ये, ठीक है। तो आप देखोगे जीवन में, जैसे आपने 10वीं 12वीं या इंजीनियरिंग, जो भी आपके प्रोफेशनल्स बैकग्राउंड हो, या हमारी तरह से आप जर्नलिस्ट रहे हो, जैसे मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है ना, हम किसी भी 10th में यदि हमने खूब एफर्ट लगाए, नंबर अच्छे आए या नहीं अच्छे आए या एवरेज रहे, बट एफर्ट ही तो वो हमारी पूंजी होती है ना, जो हमें याद दिलाती है मतलब हमने इतना स्ट्रगल किया इतना, वरना सब कुछ स्मूथ हो तो उसमें मजा क्या होता है, लाइफ में कुछ भी मजा नहीं होता है। चुनौतियां सबके जीवन में रहती हैं, आपको झेलना पड़ेगा। ये आपको समय समय पे, तो जो भी सफल होते हैं हमने देखा उनको कि वो चुनौतियों को झेलते हैं, मार्गदर्शन की भूमिका होती है, चुनौतियों को झेलते हैं वो, सबकी चुनौतियां, चुनौतियों को शेयर किया, आप लड़ना है तो लड़ना है उससे आपको। थर्ड और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैंने देखी है वो है आपका समर्पण बहुत मायने रखता है, डेडिकेशन। जितने भी सफल स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बहुत जनरल, जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया होगा, हमने कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसके लाइफ में चैलेंजेस ना हो, जिसको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन ना मिला हो, चाहे कोई कोचिंग हो, कोई सीनियर हो, बनने के बाद वो जितना गुमराह कर दे कि मैं 4 ही घंटे पढ़ता था, मैं 8 ही घंटे पढ़ता था, मैं तो पढ़ता ही नहीं था, मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूं। जैसे भी आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, 6 महीने के बाद आप में, 2 महीने 1 महीने के बाद, अभी 3 दिनों में काफी चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। 3 दिन हमारे साथ रहेंगे आप, एक मजबूत सा एक बदलाव आप महसूस करना शुरू करेंगे। आप 3 क्लासेस में लेता हूं उसके लिए अलग से, आज वाली क्लास को छोड़ करके आप चेंजेस महसूस करेंगे ठीक ठाक, आप कॉन्फिडेंस से लेके, स्टडी के तौर तरीके से लेके, राइटिंग से लेके, तमाम चीजों में आप 3 दिनों के एक्सेक्ट पैटर्न है उसमें आपको मैं ट्रैक पर रख दूंगा, ट्रैक की शुरुआत हो जाएगी यात्रा की, ठीक है। तो तीसरा हमने देखा है मार्गदर्शन की, चाहे जितनी समस्या आ जाए, जितने दबाव हो जाए, बट तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा है वो नंबर वन तो यही है आपका, जो चाह जाता है वो बनता ही बनता है, वो हासिल कर लेता है। हम लोग के जीवन काल में भी एग्जाम्पल्स भरे पड़े रहते हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में देखो उठा करके, आप आर्थिक क्षेत्र में देखो, सफलता का मतलब केवल आईएएस बनने की बात नहीं है। कोई उद्योगपति बन गया है, कोई स्टार्टअप के द्वारा दुनिया को, ठीक है ना, कोई मंत्री बन गया है, कोई प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई राष्ट्रपति, हमारे आसपास भी बहुत सारे प्रेरणा स्रोत होते हैं।
घर परिवार में देखो, पेरेंट्स को देखो आप, है ना। ऐसा नहीं कि अचीवमेंट्स का मतलब मैं कह रहा हूं केवल, बट जो जहां सफल है ना उसमें उसके डेडिकेशन की सबसे बड़ी भूमिका हमने देखी। मेरी बात समझ में आ रही क्या सभी को? आपको बनना है, कौन सी चीजें आपको मोटिवेट करती है, कौन सी चीजें आपको खींच के लाई हैं, वो कौन सी बात है जो आपको मतलब ठीक है कि भाई मेरा एक जलवा होगा, है ना, सोसाइटी में मेरा रिपुटेशन होगा, या हमने किसी को प्रॉमिस कर रखा बस तू इंतजार कर मैं बना, और ठीक है ना, है मन में गुस्सा है, ठीक है प्रतिशोध लेना है मुझे। प्रतिशोध भी एक तरह की ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा के कई रूप होते हैं एनर्जी के, ठीक है मन में एकदम से वो है, ठीक है। या कभी हमने देखा कार्य प्रणाली को, बड़ी लचर व्यवस्था है यार हमारे आसपास की, मतलब मैं सिस्टम में आऊंगा और इसे सुधारूंगा, मतलब मुझे नहीं पता कौन सी चीजें किसको प्रेरित करती हैं। कई बार पेरेंट्स का, आसपास के लोगों का भी बड़ा रोल होता है ना। कई बार यूट्यूब में, मीडिया वगैरह में, जिसका चूंकि अब काफी ग्लैमर भी है इसका, एक जब आप बनते हैं तो उसका एक ग्लैमर भी है, तो ग्लैमर भी खींचता है, वो गजब का ग्लैमर इसमें। मुझे नहीं पता क्या मोटिवेट करती हैं, पर जो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए उसको हमेशा जीवन जीवित बनाए रखना है। तो मैं कोई विषय विषय की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, आप कैसे बनेंगे क्या करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं आपको जितने लोगों को हमने, मैं बता नहीं सकता हूं कितने लोगों को देखा है, बट कई सौ तो हैं जो कि एक लंबे समय तक, मतलब 2007, 8, 9, 10 मैं मसूरी, फरीदाबाद, सब ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह पे भी खूब टाइम स्पेंड करता था मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो कोई लिमिट नहीं है उसका, मतलब कई सारे गेट टुगेदर्स वगैरह में भी, कई ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह में भी, है ना, बहुत सारे अनुभव हैं जो क्वालिफाई करने के दौरान मिलते हैं ना, तो बहुत लोगों को देखा है हमने। मेरा काम क्या है एज ए ट्रेनर, एज ए प्रोफेशनल, मैं तो यही देखता हूँ कि क्या खुद भी, जैसे दो बार इंटरव्यू का मुझे अनुभव रहा है, 2004-05 हमने इंटरव्यू फेस किए हैं ना, उस दौरान भी बहुत सारे हमारे दोस्त क्वालिफाई किए जो डीयू के थे हमारे, और ऐसे भी भाई मैं क्यों नहीं बन पाया या लोग क्यों बन रहे हैं, मतलब ठीक है जब एज ए शुरू किया हमने, तो बहुत हमने क्या देखा ना कि ये चीजें ना, बाकी चीजें सब सेकेंडरी हैं। यदि हम इसको बना के रखें ना कि हमें क्यों बनना है, उस आग को जलाते रहे ना हम, तो खेल होगा, खेला होबे, नाम सुना है ना, कुछ दिन पहले अखबार में चल रहा था खेला होबे, है ना। सबसे बड़ी बात है, अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर आ जाता है, आप क्यों बनना चाहते हैं उस फायर को, हमारी भी अच्छी खासी भूमिका होती है ताकि आपको हम एक सही ट्रैक पर रखें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूम हो और आपका फायर और भी एकदम कि हाँ मैं बनूंगा या बनूंगी, हम सबकी भूमिका है उसमें। जब आप डिसाइड किया है एक उम्मीद के साथ कि भाई यहाँ है, तो हम अपने उस रोल पे हैं पूरी तरह से हम। बट सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई है कि हर स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर पाता है और क्वालिफाई करता है, ऐसा नहीं कि केवल, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाते हैं, मटेरियल, कभी किसी का वीडियो मिल जाए, किसी का नोट्स मिल जाए, यहां वहां सुन के मिल के लोग करते हैं क्वालिफाई ना, क्या उन्हें खींच लेती है? ठीक है, एक एग्जांपल मैं से शेयर करूंगा, मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, जबलपुर में कलेक्टर हैं करमवीर शर्मा, चौथी प्रयास में 27वीं रैंक आई थी उनकी, मतलब 2008-09 वर्ष मुझे बस ध्यान नहीं है, हिस्ट्री पढ़ता था, वो आखिरी प्रयास था, तीसरे में इंटरव्यू दिया था उसका, हुआ नहीं था, पहले में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरे में मेंस नहीं हुआ था उसका, चार अटेम्प्ट थे उस समय, अभी जनरल के 5 अटेम्प्ट है, वो सब बात आप आइडिया होगा, थोड़ी बहुत बात कर भी लेंगे आपसे। डेडिकेशन की जब हमने बात की ना कि मतलब कोई दिक्कत नहीं थी उसे, मतलब इवन दोस्त भी उसे चढ़ते थे कि भाई तेरे पास और कोई काम बचा नहीं है क्या, मतलब जब देखो किसी भी टीचर के पीछे, किसी भी, जैसे हमने कहा सौरभ जी बहुत, तो वो बैठा रहेगा कि भाई सौरभ जी से बात करके ही वो जाएगा, ये बहुत अच्छा कर रही है, तो आप चाहे उसको लाख मना करें, आप उसे अच्छा लगा, कुछ सीखने वाली बात है, तो आपसे वो सीख के जाएगा। मैं एक जुनून का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे एक सीनियर आईपीएस हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट रहे, हिंदू कॉलेज के मनोज मेरे स्टूडेंट रहे, अब अभी जनवरी में डीआईजी हो जाएंगे, कल भी उनसे बात हो रही थी हमारी, है ना, सुपौल में भी वो, बिहार में भी एसएसपी हैं, जनवरी 18-20 के आसपास वो डीआईजी होने वाले, कल बता रहे थे, बात हो रही थी, एक जीवन के नए पड़ाव। डेडिकेशन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जब वो क्वालिफाई कर गए, तब मुझे पता चला कि दोस्त उन्हें पैसे भेजा करते थे पढ़ने के लिए, उसी पैसे से अपने भाई का वो इलाज भी कराते थे प्रायः एम्स, फिर खाना भी खुद तीनों टाइम, दो टाइम जब भी खाते थे खुद ही बनाते थे, वो कुछ खरीद किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, मतलब वो
तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शेयर कर जाते हैं, बट वो लगातार सालों, 1.5 साल 2 साल हमसे जुड़े रहे, बट कभी शेयर ही नहीं। बनने के बाद फिर एक बार वो बस आंखों में खुशी के आंसू थे और फिर उन्होंने शेयर करना। तो हमने ये देखा, ये तो दो एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूं, ऐसे मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं। इनसे आप कभी भी, मतलब जैसे दोनों नाम लिया, कभी भी मिल जाए, सुजीत सर ऐसा कह रहे थे आपको, है ना, ठीक है, तो वो वही शेयर करेंगे आपको, क्योंकि वो उस तरह से हमने देखा है उनको। मतलब हमने क्या देखा दोनों में कॉमन, क्या बात बता रहा हूं मैं आपको, एक करमीर को कोई इशू नहीं था, घर में ठीक था, सपोर्ट अच्छा था, एक को इशू ही इशू थे। तीसरे हमने, दोनों ने इंटरव्यू साथ दिया, मनोज पहले क्वालिफाई करके, चौथे में करमवीर, साथ ही पढ़ रहे थे दोनों। ऐसे और भी उस बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डेडिकेशन बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल आए दिन के भी सुनते होंगे, भाई ये झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, यूपी कैडर के हरीश जो है, मतलब यहीं रहते थे वो, है ना, हरीश, गोविंद जायसवाल, वो भी हिस्ट्री रहा उसका, मतलब गोविंद का बहुत पहले क्वालिफाई किया था, ठीक है, एडमिट कैडर में भी इस समय IAS है गोविंद, है ना। कभी आप सुनते होंगे भाई रिक्शा चलाने वाले कोई, मतलब ऐसे करके, चूंकि ग्लैमर भी उसका बनाया जाता है, मतलब बनारस के रहने वाले हैं गोविंद, है ना, व्यक्तिगत तौर पर हमने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हर तरह का एग्जाम्पल है, डिफरेंस क्या क्रिएट करता है वो फायर। गॉट इट? यस, तो आपको एक छोटा सा सुझाव है कि आप यदि सोने के पहले या सुबह उठ करके, यदि मुझे क्यों बनना है, मतलब, या मुझे बनना है, इस मंत्र को यदि 2 बार 4 बार आप 5 बार, मतलब किसी भी रूप में आप इसको जीवंत बना के रखेंगे आप, तो आपको ये ऊर्जावान बनाए रखेगा। क्योंकि थोड़ी लंबी यात्रा है ना, एक बार, ठीक है, 3 बातें जो हमने देखी वो आपसे शेयर करी हमने अनुभव के रूप में। मैंने पहले ही कहा थोड़ी बातचीत करेंगे आपसे हम। दूसरी बात, इस एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में क्या अंतर होता है, मतलब एक जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे 10वीं में जब आप रहते हैं तो आपको वो एग्जाम टफ लग रहा था ना, कि कैसे 10वीं करेंगे हम, 12वीं में थे तो तैयारी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस होगा आपका, बट फिर भी डर रहता है ना। पर जब 12वीं में जाते हैं तो 10वीं आसान तो लगता ही है ना, लगता है, नहीं लगता है? और जब कॉलेज कर रहे होते हैं तो 12वीं आसान लगता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो साल आपका बीतता जाता है। इसमें भी हमने ये देखा है कि जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो लगता है कि ये हो जाता है हमसे, वो नौबत नहीं आने देनी। जैसे बाकी एग्जाम है ना, आप ही की तरह के लोग क्वालिफाई करते हैं, अंतर तो एक ही है ना, वो अंतर होता है उसका जुनून। एक ही साथ यात्रा शुरू होती है, कुछ भी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में रहा हूं, जो लोग DU से जुड़े होंगे जुबली हॉल को जानते होंगे, जो हमने top 3 टॉपर्स हैं वही हॉस्टल अवेल करते हैं, ठीक है, मैं रहा हूं उसका पार्ट ना। और वहां से एक दौर में, हमारे समय में लास्ट वो दौर था जब वहां से बस खुलती थी सेलेक्टेड लोगों की और मसूरी ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे। एक हिंदुस्तान में हमने एक न्यूज बनाया था 2006-07 में, कि जब IAS की फैक्ट्री अब बंद हो गई, चूंकि 2 या 3 ही रिजल्ट हुए थे वहां से, वो न्यूज पहने ही उसको, मतलब उस समय हिंदुस्तान के पहले पेज पे वो अखबार के वो न्यूज बना था। अभी समझ लो कि जैसे वहां 250-300 स्टूडेंट से सब टॉपर ही रह रहे हैं, सब एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई तो सब नहीं कर रहे हैं। वहां क्वालिफाई कौन करता था, तो अपने किसी दोस्त के पास एज ए गेस्ट जो जाकर रहता था, मैक्सिमम उन लोगों ने क्वालिफाई किया वहां पे, हॉस्टलर तो बहुत कम करते थे जो एज ए गेस्ट रहता था, है ना, हमने देखा है, जिनको अनुभव होगा DU के बारे में या JNU के बारे में या और भी हॉस्टल आपके इलाहाबाद पटना जहां से भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल। ऐसे पॉइंट क्या मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कि ये कतई मायने नहीं रखता है कि आप अब तक टॉपर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको मोटिवेट करेगा ना, वो भी कि मुझे प्रूव करना है। थर्ड डिविजनर रहे हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बैच में जब हम DU में थे, जो पहला IAS बना था, ग्रेजुएशन थर्ड डिवीजन से पास किया था राजेश। क्या था आपको, पहले साल से, चूंकि उसके भाई ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, शुरू से उसको IAS के लिए गाइड करे, तो शुरू से IAS की तैयारी कर रहे थे, ग्रेजुएशन बस वो किसी तरह से निकालना था उसे हिस्ट्री ऑनर्स, कर गया क्वालिफाई। तो इसके भी ना कोई पीछे, आपने बहुत अच्छा किया है, वो आपको मोटिवेट करेगा।
बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक तो वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए कि हम अब अपना हमारा अब जो ये 1.5-2 साल है, हमने पीछे क्या किया नहीं किया सेकेंडरी, 1.5-2 साल हम इसको ठीक तरीके से हम समर्पण के साथ आगे ले जाए। समझ में आ रही बात सभी को? यस। एक और इसी से जुड़ी हुई बात है कि बाकी एग्जाम्स में और इस एग्जाम्स में ना सिलेबस का एक डिफरेंस आता है। आप ऐसे समझ लो आप कि जैसे आप एक क्राइटेरिया बना लो कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ऐसे ही एक लेमैन की भाषा में, कोई आधार नहीं है इसका, हमने 30 किताबें पढ़ के हमने अपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, मान लो 25 किताबें या 20 किताबें पढ़ के, तो यहां 50-60 किताबें आपने पढ़नी है। ये अंतर है, एक समझाने के लिए बता रहा। समझ में आ रही बात? पर वो केवल आपके लिए नहीं है ना, तो सभी के लिए जो उस लेवल पे है। भाई हमसे प्रतियोगिता तो होनी ही है ना आपकी, अब वो तो आपके बीच में प्रतियोगिता होनी है। सब उसी सिस्टम से पास होके आता है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग करके आए, चाहे वो सीए बन करके आ रहा हो, एक ही सिस्टम से पास करके, या लॉ करके आ रहा हो, ग्रेजुएट सब तो एक ही सिस्टम पे आया है, एक ही लेवल पे है वो। अब बस इतना समझिएगा ना कि दूसरे कंपिटेटिव एग्जाम या आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम और इसमें बस सिलेबस का एक अंतर है, इतना अंतर तो है। समझ में आ रही बात ना? एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहा हूं। और लोग इसी को मैनेज करने में, पढ़ते बहुत लोग हैं घंटों, समझ भी जाते हैं, बट इसको ना एक साथ मैनेज करके एग्जाम में ले जाने की क्षमता बहुत लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं। सिलेबस तैयार हो जाता है, समझ जाते हैं वो। नौकरी किस बात की मिलती है कि हम एग्जाम में जाकर के हम कैसे उसे परफॉर्म करके, ठीक है? तो दो बातें मैंने आपको बताई कि एक हिंदुस्तान क्या दुनिया के, मतलब आप देखोगे चैलेंजेस के हिसाब से तो इसको बहुत बेहतरीन एक माना जाता है सेवाओं में, चैलेंजेस के लेवल पे तो क्यों माना जाता है? एक तो सिलेबस ऑब्वियस है, थोड़ा अधिक होगा इसका ओवरऑल सिलेबस, ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, सबके लिए चैलेंज है वो। हमने पहले कहा चैलेंज के बिना क्या मजा है, यही अंतर आपको समझना होगा। जब कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ना, तो हमें ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं सिलेबस है इसका और हमें इसे डाइजेस्ट, मतलब ठीक से हाजमा इसका करना है, हमें हजम करना है हमें, वो सब सिस्टम से हो जाएगा, नथिंग, बट वो डेडिकेशन ही तो सिस्टम बनाएगा ना आपका फिर। तो दो बातें हमने यहां जनरल आपको बताई। एक सेलेक्टेड कैंडिडेट में जो 3 बातों में हमने देखा है, डेडिकेशन वो डिफरेंस क्रिएट करता है, दूसरी बात जो मैंने आपसे शेयर की अपने अनुभव से वो सिलेबस इसका ज्यादा है, जैसे आप ग्रेजुएशन स्कूलिंग वगैरह करते हैं वैसे ही ये एग्जाम है, कोई मन में हवा मत रखिए, जो बन गया उसे छोड़िए, अब आप यहां आ गए हैं, जो अलग अलग जो टीचर हैं, मेंटर हैं, जो हमारी टीम है, अब उनके साथ आप काम करिए कि हम आपके उस प्रोसेस में साथ होते हैं जहां से आप बनेंगे। बनने के बाद मंच में आके आपको भी जो बोलना हो बोलिएगा, ठीक है ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, बट हम प्रोसेस देख रहे होते हैं। इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, 27वीं रैंक, 10वीं रैंक, 5वीं रैंक, हमारे हॉस्टल से भी बहुत सारे रैंक आते थे, तो रैंक होल्डर भी सब साथ ही रहते थे ना, हम तो जो जिनको रैंक होल्डर कहते हैं, बहुत सारे रैंक, फर्स्ट रैंक होल्डर हमारी कोचिंग का इस बार, सुबह हम पहले भी रह चुके हैं हमारी कोचिंग का 14-13 में भी, और पीछे भी थे हमारे, तो मतलब हम तो बहुत करीब से देख रहे हैं लोगों को बनते हुए। ये भी एक फैक्ट्री है जहां पाए, ठीक है, चलिए दो बात होगी। तीसरी बात जो मैं आपको बताऊं, इस पूरी तैयारी में ना 5 महत्वपूर्ण स्टेप हैं, कुछ कुछ बातें और बताऊं फिर स्टेप पे मैं आता हूं। हाँ, अब क्या है, जैसे बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, पहली बात कि आप सब लोग प्लेन पेपर वाली कॉपी रखिएगा अपने पास, क्लियर ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एक दिन के लिए भी मत टालिएगा कि अच्छा ठीक है 2-4 दिन कर लेते हैं ना फिर करेंगे हम, आलस्य को हमेशा के लिए एकदम, चाहे मैं आलसी हूं मुझे एग्जाम अब नहीं देना है, आपने एग्जाम देना है, क्यों, यूपीएससी में जो राइटिंग आपकी होगी ना, ठीक है, वो प्लेन पेपर पे राइटिंग होगी, और जिनको बहुत हैबिट नहीं होती है, जैसे कभी प्रचार लिखते लिखते हम टेक ऑफ करने लगते हैं अपनी राइटिंग को, हम लिखना शुरू किया होता कभी लैंड कराने लगते हैं प्लेन को हम, अभी से आदत डाल लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नंबर 1,
मिस नहीं करना। नंबर दो, क्लास में जब भी रहिएगा आप, तो एक तो क्लास लेक्चर जैसे, मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं समझाऊंगा, फिर लिखाऊंगा, थोड़ा लिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, ये सिस्टम चलेगा हमारा। अभी बाकी लोगों का भी, सब टीचर का अपना अपना तरीका होता है, वो भी कम ऐसा ही करेंगे आपको, है ना। बट रुक करके कई बार कई चीजें समझाऊंगा जो लिखने का पार्ट नहीं होता। जैसे भी हमने कहा ये तीन बातें, हमने कहा ये दो बातें, 16 साल के अनुभव और सैकड़ों सैकड़ों स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस जो क्वालिफाई किए हमारे गाइडेंस में भी, उन सब का एक निचोड़ मैं बता रहा हूं, और यही आपका भी अनुभव होगा। तो कुछ कुछ काम की बात लगे ना, तो अलग से कॉपी रखिएगा, कोई भी टीचर बता रहे हो, कोई भी अनुभव, आप उसमें लिखने की केवल आगे करिए। आप मोबाइल में कर सकते हैं, आप मोबाइल तो चलो घर पे करोगे, आप क्लास में तो कर नहीं पाओगे। आप अलग से, जैसे एक सुझाव ये है, ये है, ये है, मेक इट ए हैबिट, एक छोटी सी डायरी या कुछ भी रखने का। क्या होता है कि सुझाव इंपॉर्टेंट नहीं होता, सुझाव पे अमल करना इंपॉर्टेंट होता है। आप महीने 2 महीने थोड़ा मुखर्जी नगर में एफर्ट लगा लेंगे, तो आपको सब पता चल जाएगा कि आईएएस कैसे बनते हैं, क्या क्या, सब कुछ हो जाएगा। नथिंग, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी तो मायने रखता है ना। हम अमल करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आदत डालिएगा लिखने का। नंबर एक, प्लेन पेपर रखना है आपको। नंबर दो, हैबिट बनाए रखनी है आपको। कुछ भी सुझाव आए आप नोट करिएगा, कुछ पूछना हो, मन में कुछ द्वंद चल रही हो, वो सब भी नोट करिए, उसको भी डायरी में एक हिस्सा बनाया करिए। आप जो जो सवाल चल रहे हैं आप सार्वजनिक तौर पे नहीं पूछ पाते सबके सामने, व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछिएगा, दूसरे टीचर से, अनआंसर्ड नहीं जाना है। आप डॉक्टर को पता होना चाहिए, खुल के बताना है प्रॉब्लम्स, कुछ भी आए मन में तो। क्लियर ना सभी को? उसी पर्पस से यहां है हम। तीसरा, जो क्लासेस चलेंगी ना, तो हर टीचर का एक ब्रेक होता है 3 घंटे में लगभग, मैं पौने 2 घंटे, 2 घंटे के आसपास ब्रेक देता ही हूँ, क्लास के रिदम पे होता है वो, ठीक है। आज तो ब्रेक जैसी कोई चीज रहेगी नहीं, चूंकि आज बस आपसे मुलाकात है हमारी, है ना, और सोना मैम ने भी आपको इंट्रोड्यूस किया ही, सब सिस्टम के बारे में बताया अभी आपको, है ना। तो एक ब्रेक भी हो जाएगा आपका, 10-12 मिनट का ब्रेक रहता है वो, 10 मिनट प्रिसाइजली, एक आधा मिनट आगे पीछे हो जाए तो ठीक है। और क्लास में जैसे कोई टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है, जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जो लोग ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, वो थोड़ा फ्री से हो जाते हैं, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा चाय ले लिया, थोड़ा पानी ले लिया, किसी ने बुला लिया, मम्मी ने, माँ ने, पिताजी ने, भी दौड़ गए उधर, जरा देखें क्या हो रहा है, मतलब ठीक है। सारी बातों को ना रिजल्ट से आप आकलन करिएगा, है ना, कि आप जो जो करेंगे ना रिजल्ट को, हम जो करेंगे ना रिजल्ट। विवेकानंद ने एक बात कही थी, और वो बात जब मैं अपने एफर्ट, जो हमने चारों मेन सबने भी दिए थे 2 इंटरव्यू, और बाद में बहुत सारे लोगों को हमने देखा, उन्होंने कहा था कि कोई भी गोल आप एक सेट करो, ठीक है ना, सोते जागते उठते बैठते, मतलब उसका नशा होना चाहिए आपको, जुनून होना चाहिए आपको। एक एक रक्त वाहिकाएं जो हैं, आर्टरी जो हैं, वो उसी जुनून के प्रति समर्पित हो, और आप देखो वो लक्ष्य हासिल होगा कि नहीं। ठंडे दिमाग से जब अपने जीवन पे हमने देखना शुरू किया, तो जैसे मान लो मुझे पैशन है किसी चीज का, स्विमिंग का मान लो पैशन रहा है, कभी हमने एक बार ठाना तो दिन रात का वो नशा था, और हमने कर लिया उसे लाइफ में, या कभी कुछ एकेडमिक्स में भी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह रहे हैं डीयू में हमारे, मतलब जब जब जो जो ठाना हमने देखा, तो मैं देखता क्या था कि वो नशा सा था 2-3 महीने का, और वो हासिल हो गया। पैचेज में जब मैं अपने लाइफ को देखता हूँ, या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देखता हूँ जिनको बहुत करीब से लगातार सालों में देख रहा हूं, जो डिजर्व करते हैं और नहीं हो पा रहे, उनको देख रहा हूं मैं, तब मैं नोटिस करता हूं, तो मैं पाता हूं कि कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन ही, हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी न किसी चीज को प्रायोरिटी पर रख ही देते हैं। उन्होंने कहा था कि आप खुद से जब बात करोगे ना, विवेकानंद कहते थे हमेशा कि ठीक है, हर एक इंसान को ना एक बार खुद से बात जरूर करनी चाहिए रोज, वरना इस धरती पे सबसे बेहतरीन इंसान से मुलाकात करने से वो वंचित रह जाता है। समझ में आ रही बात है सभी को? वो कहते हैं एक बार खुद से बात जरूर करनी चाहिए, वरना इस धरती पे वो सबसे बेहतरीन इंसान से मुलाकात नहीं कर पाता है। गॉट इट? जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अब बस ठीक है, हमने आज क्या, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि हम पागलपन की अवस्था में आ जाना है, फिट रहते हुए, हेल्दी रहते हुए हमें काम करना है।
ठीक है, हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं, बट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हम लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। तो ये दो बातें ना, किसी के लिए भी दोनों बात, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो असंभव है, बट आप ये देखें ना कि आप कितने समर्पण से काम किया कहते थे, और बात करोगे तो पता चल जाएगा समर्पण कितना है मेरा। खुद को कोई भी इंसान झुठला नहीं पाता है, बाहर चाहे जितनों को हम गुमराह कर लें, बस ये ईमानदारी बरतनी है 1.5-2 साल अपने प्रति। आप देखोगे, मैं ये बिल्कुल हमारी विशेष है, शुभकामनाएं कि आप सब लोग अपने लक्ष्य में सफल हों। हमने ये देखा है कि कोई ईमानदारी बरतता है तो उसके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आता है। पद से किसी की पहचान होती है और किसी का व्यक्तित्व और कद इतना बड़ा हो जाता है कि पद की गरिमा भी उससे बढ़ती है। दोनों अलग अलग बातें होती हैं। हमने बहुतों को देखा IAS IPS ऐसे भी जो बनने के बाद पद से ही उनकी पहचान है, और बहुतों को हमने देखा है उनका कद इतना महत्व रखता है कि पद की गरिमा भी उससे बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर 1.5-2 साल आप इस सुझाव पर अमल करेंगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी में, आप चूंकि जीवन तो हमें जीना होता है ना, बहुत चेंजेस आएंगे। तो तीन बातें हमने जस्ट जनरल सजेशन पे दिया। जब भी कोई टॉपिक एंड होगा, मैं खुद इनवाइट कर लूंगा, कोई क्वेश्चंस हो आपके मन में, आप हैंड रेज कर लेंगे, आप कुछ पूछना होगा तो मैं रुक दूंगा। कई बार क्या होता है, लगता है कि हाँ ये पर्सनल आंसर चाहिए तो मैं रुक देता हूँ, ठीक है क्लास के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा इसका आंसर। कभी लगता है कि नहीं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन वाली क्वेरी में वो आंसर कर ही रहे होते हैं, मतलब ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं ही हैंडल करता हूँ, जो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं वो ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा आपको। क्लास में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए है, क्लास के बाद अच्छा खासा टाइम रहता है, 10-20 मिनट हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अभी कैसे अभी क्लास में टाइम था तो हम बातचीत शुरू हो गई हमारी, अवेलेबल हैं तो हैं, मतलब ठीक है, हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ ज़रूरत रहती है हर विषय में, 10-5 बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जब आप टीचर से पर्सनली इंटरेक्ट कर लें। ऐसा नहीं कि एकदम रोज ही टीचर से इंटरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रैक पे आपने आना है, और ट्रैक पे आप आ गए, विषय दौड़ने लगा, आप भी दौड़ रहे, उसके साथ साथ बात खत्म हो गई सब्जेक्ट की। तो ये 2-3 बातें हो गई। अब आते हैं जिस पे हमें चलना है ना, जो हमारा मार्ग होगा, 5 स्टेप है उसके। ठीक है, 5 स्टेप है उसके, 5 स्टेप्स, इसको 5-3 फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप, कि पूरी तैयारी में आप क्या ध्यान रखें। एक बात और मैं बता दूंगा आपको, जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे अभी आपने यात्रा की शुरुआत की, आपके मन में आएगा कि भाई मुझे 2023 वाले एग्जाम क्वालिफाई करना, तो बिल्कुल राइट टाइम है अभी, मतलब ये पहला बैच है हमारा 23 को लेकर के, 22-23 वाले सेशन में, और इतना टाइम है कि आप बहुत कायदे से प्लान कर सकते हैं, और कोई शक नहीं इसमें कि आप पहले बार में ही इंटरव्यू भी देंगे यदि आपने ठान रखा है। बट एक प्रश्न आपको और परेशान करेगा, वो है आपके ऑप्शनल का प्रश्न। मैं भी उसमें जा नहीं रहा हूं, फिर किसी क्लास में गाइड करूंगा। आप में से किसी स्टूडेंट्स ने चूज कर लिया है, वो क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी ने भी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, फिर कभी हम बात करेंगे आपसे ज़रूर 15-20 दिनों में, महीने में। बट अभी कम से कम मेरा सुझाव ये है कि 1.5-2 महीने आप ज्वाइन मत करिएगा, ठीक है? उसके बाद चाहे बेसिक तो ज्वाइन कर लीजिएगा, 6 महीने बाद कर लीजिएगा। आपने एक शुरुआत करी है अभी, पहले आप समझ लीजिए कि किस तरह से मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं। आप ये समझिए कि मॉडर्न इंडिया को मुझे कैसे इस पे पकड़ बनानी है। एक विषय के एक टॉपिक पे आपने तरीका समझ लिया, 2 टॉपिक पे आपने तरीका समझ लिया, 12 टॉपिक पढ़ने, ठीक है, 12 टॉपिक का तरीका समझ में आ गया, एक आधा विषय और हमने कर लिया, साथ साथ हो ही जाएंगे 1.5-2 महीने में। उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपकी थोड़ी ओपन होनी शुरू होंगी। एक साथ इतना लोड मत ले लीजिएगा, इसलिए अब ये प्रश्न आने भी मत दीजिएगा। जिन्होंने डिसाइड कर लिया उनके लिए नहीं है, वो आपके पास क्लैरिटी है। जो स्टूडेंट्स एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादातर हमारे बिगनर स्टूडेंट होते हैं, 1.5-2 महीने मत रखिएगा। ऑप्शनल को डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं, मैं आपसे बात करूंगा, जल्दी बात कर लूंगा मैं आपसे। कम से कम 2 विषयों पे एटलीस्ट आप एक अच्छी खासी पकड़ बना लें आप GS की, फिर आगे बढ़े, क्योंकि सिलेक्शन में GS का रोल बहुत ज्यादा है ऑप्शनल की तुलना में, ठीक है? ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप समझिए एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूं मैं। जिन्होंने डिसाइड किया इसका मतलब वो मैच्योर स्टूडेंट है, दे कैन मैनेज,
कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करें, आगे बढ़े वो, ठीक है। एक प्रश्न आपके मन में कभी कभी और आएगा कि हिंदी मीडियम और सिलेक्शन को लेकर के, मैं 10-5 दिनों में आपसे बहुत तार्किक तौर पे इससे बात करूंगा, बिल्कुल तर्क के साथ, क्या हकीकत है क्या नहीं है, आप अभी मन में मत लाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, जीएस वाली जो क्लासेस हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको मैं ही दिखूंगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की क्लास है, तीनों का कल्चरल पोर्शन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मैं ही मिलूंगा आपको, इसलिए मैं जो कह रहा हूं, चूंकि हर बैच में कराता हूं तो आप में भी कराऊंगा मैं आपको। बट ये सब प्रश्न मन में रहते हैं, निराशा वाले कोई भी प्रश्न को निकालिए ना आप, उसको साइड करिए आप, ठीक है, और लर्न करना शुरू करिए अभी आप, ठीक है। जरूरत पड़ने पे एक बार आप जो शुरू की क्लासेस है ना, हम जो बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है, अनुभव जो शेयर कर रहा हूं मैं, मतलब मेरा अपना मानना है कि 50-60% जो हम क्लास में बताते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो रोल है, और लगभग सजेशंस का उतना ही रोल है कि हम कितना उसमें अमल कर पाते हैं। इसलिए मैं पहले कहा, पढ़ते बहुत लोग हैं, समझ भी जाते हैं, ज्ञान भी बहुत होता है उनके पास, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते एग्जाम में जाकर के। भाई हमें तो परफॉर्मर बनना है, T20 जैसे होता है ना, मतलब बस दो ही बॉल है, तीन ही बॉल है आपने, आपके पास है ना, इतना ही फर्क है, अपना देखना है हमें। आइए इस पे हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज की तैयारी, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, जीएस पीटी है, जीएस मेंस है हमारा, एसए है हमारा, और ऑप्शनल है हमारा, ये मेन है। जीएस में बहुत सारे विषय पढ़ने हमें, पीटी और मेंस में अलग अलग विषयों का पढ़ना है हमें। पांच चीजों को कभी नहीं भूलना है, चार या पांच चीजें हैं, मैं बताता हूं। पहला, जिससे मैं भी शुरुआत करूंगा, लिख लेंगे आप इसको, 5 पॉइंट्स, मैं बोलता भी जा रहा हूं, किसी को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे आई होप कि उनको दिख जाएगा आराम से, ठीक है, मैं बोलता भी जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, 5 पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखने हैं। पहला, सिलेबस या पाठ्यक्रम, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अभी, नंबर वन, ठीक है। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स के बारे में जानना, यानी कहां से पढ़ना है, ठीक है, क्लियर ना, कहां से पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये हो जाएगा, बस यही पढ़ना है, जितनी बार पढ़ लो आप, आपके ऊपर है। बहुत से स्टूडेंट्स यहीं परेशान रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, भाई टॉपर्स ने कह दिया तो वो पता चलो किताब भी लेके आ गया, 1000 पेज की किताब है। गांधी जी ने मान लो 20 काम किए, मैंने कहा इस किताब से, हमारे नोट से पढ़ लो, स्टडी मटेरियल से। किसी ने कहा अरे नहीं, तुमने विपिन चंद्रा नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी, तो आपने विपिन चंद्रा पढ़ ली, तो गांधी जी ने 21 काम थोड़ी कर दिया उस किताब में, 20 ही तो रहेंगे उसमें भी। अरे तुमने स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ी, तब भी 20 ही रहने, पता चला 2 साल इसी में निकाल दिया हमने, 1600 पेज पढ़ के हम, वो 20 काम नहीं पता हमें, गांधी जी ने क्या करी। एक एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूं आपको, इस बात को समझ लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स संविधान पे, मान लो हमने कोई किताब उठा ली, संविधान में जैसे मूल अधिकार ले लिए आपने, कोई किताब जो रिकमेंडेड किताब एक भी उठा ली आपने, समझ में आने लग गया आपको, सिवाय कुछ विश्लेषण के 95% बातें तो वही रहनी है उस किताब में या क्लास लेक्चर में। हमें उन 95% पे कमांड करना है, न कि 95 किताब पढ़नी है, 95 साल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी सुनते होंगे आप ना कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, सफल वही होता है, हमने देखा है इस समय बाजी वही मार रहा है, जो 5 पॉइंट्स किसी टॉपिक पे जानता हो, 5 को 7 बनाने की क्षमता उसने डेवलप कर ली हो, जो 17 पॉइंट जानता हो और वक्त पे 5 भी ना लिख पाता, वो बाहर है। ये सही है कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से चीजों को पढ़ने समझने से लोग कर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कि नहीं,
ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी जैसे मान लो कुछ भी शुरू हुआ, इकोनॉमी पॉलिटी, हो सकता है टॉपिक वाइज आपकी रीडिंग अलग हो जाए, यहां से यहां तक आप ये पढ़ रहे ना, यहां से यहां तक, बट एक क्लास लेक्चर के साथ स्टडी मटेरियल तो है ही हमारा, उसके अलावा एक ही रीडिंग उस टॉपिक पे यदि जरूरत हुई तो। अपने पार्ट में तो मैं क्लियर करता चलूंगा हर टॉपिक वाइज, आपने जरूरत है या नहीं है, क्लियर ना सभी को? समझ में आ रही बात? वरना ये आपको सालों साल बैठा के रख देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये अभी हम हिस्ट्री में भी देखेंगे हम, है ना? ठीक है, और इसी में क्वेश्चन पेपर का बड़ा रोल होता है। टेन इयर्स 20 इयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसी में। ठीक है, हम आपको जो भी बताएंगे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के आधार पर बताएंगे। ठीक है, जो क्वालिफाई किया वो भी इसी के आधार पे किया है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे रिटायर्ड मेंबर या और एक्सपर्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि एक्सपोजर काफी रहा है तो मिलने का तो मौका मिला ही है। सब सब्जेक्टिव होता है, कुछ भी एकदम आइडियल नहीं कि नहीं इनको ये इनमें मटेरियल है इनमें नहीं, ऐसा नहीं। जो बन रहा है वो, जो पढ़ा रहे हैं वो, चाहे 30 साल का अनुभव पढ़ाने वाले को, 16 साल का मेरा भी अनुभव है पढ़ाने का, सिंपल सा बेसिस है, मैं इसके बेसिस पे पढ़ाऊंगा। जैसे हमने कहा ना प्लेन पेपर अपने पास रख लीजिएगा, वैसे ही क्वेश्चन पेपर भी जीएस का, मेंस का और प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक आते हैं। दो तरह के क्वेश्चन बैंक आते हैं, एक होता है ईयर वाइज और एक होता है टॉपिक वाइज। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मॉडर्न इंडिया है, आप देखोगे मॉडर्न इंडिया में अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे कहा 57 के विद्रोह, 57 के विद्रोह पे सारे आपके पीटी और मेंस के क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, 1857 के विद्रोह पे। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को ना? एक होता है ईयर वाइज, जैसे लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया यूपीएससी में, उससे पहले क्या पूछा गया, चारों जो मेंस के पेपर थे, दोनों क्वेश्चन बैंक आपको अपने पास रखने हैं। ईयर वाइज से आपको ट्रेंड पता चलता है कि इस साल से इस साल में क्या चेंजेस आ रहा है, आपको अब पता चलना शुरू होगा। अभी जनवरी में मेंस होना है ना, अभी तो कुछ पेपर आएंगे, थोड़ा वहां से समझ बनेगी, और आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझ 4-5 सालों की तो बेहतर बन जाएगी आपको, चूंकि अभी आप कुछ ना कुछ करते करते 3-4 साल से थोड़ा बहुत तो अवेयर रहता ही है ना, चाहे दोस्तों के साथ हो या कहीं भी रहें, पुरानी बातें तो हमारे थ्रू ही समझोगे आप। और आपको आगे का प्रोजेक्शन करना है ना, जब आपको बनना है, तो आप समझ लो कि आपका जो संविधान है ना, जिस रास्ते पे आपको जाना है वो है आपका सिलेबस। और ठीक है, ईयर वाइज भी लेना है पीटी का और मेंस का, और टॉपिक वाइज भी लेना है, मतलब टॉपिक वाइज भी आपको लेना है, कंबाइंड मिल जाते हैं, जितना जल्दी आ जाए उतनी अच्छी बात है। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा सुझाव है आपके लिए, किसका कोई मतलब नहीं है। अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है अक्टूबर में, आईएएस प्री हुआ है, जो उसमें जीएस का पेपर था, सीसेट का पेपर था वो, और जो पीछे मेंस का पेपर था इसके पहले, जो जनवरी में ही मेंस हुआ था कोरोना के कारण, अभी है ना, जब आप क्वेश्चन बैंक लाओगे आप ना, लास्ट ईयर के पेपर को आप ऐसे ही एक बार पढ़ जाना। ठीक है, और कोशिश करना आप जहां सोते हो क्वेश्चन पेपर सिलेबस आपके तकिए के नीचे, तकिया समझते हैं ना, इंग्लिश पिलो है ना, ठीक है, उसको बस रहने दीजिएगा उसके नीचे। आप जैसे मॉडर्न इंडिया हम शुरू कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा, मॉडर्न का सिलेबस एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, आपको लॉजिकली कन्विंस होना जरूरी है कि मैं यही पढ़ना है तो क्यों और कैसे। भक्ति नहीं, भक्ति समझते हो ना, भक्ति नहीं, लॉजिकली आपको समझना है क्या है, क्यों है, कैसे है, जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग
थोड़ा ये इसका हॉरिजन थोड़ा ब्रॉड हो आपका, आप एनालाइज करें उसको, क्योंकि लड़ने आप जाएंगे एग्जाम में ना, ट्रेंड हम करेंगे, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन पेपर लेना आप सभी को, ठीक है? जैसे जब हम कहते हैं ना कैसे पढ़ना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स मेकिंग, नोट्स तैयार करना। आपको यह भी पता चल गया, आपको यह भी पता चल गया, पढ़ भी रहे हो उसे आप। हमने आपको क्या बताया, जैसे मान लो 20 किताब पढ़ के आपने इंजीनियरिंग पास करी 4 साल में, तो 50 किताब आपने पढ़ने इसके लिए, कैसे समझ लो आप। अब आप सोच लो 20 किताब आपने 4 साल में पढ़ी पास करी, यहां क्या करना है आपको, 7 दिनों में 50 किताब एक साथ एग्जाम के अंदर, एकदम ये बस बैठा लेना 20 और 50 का खेल, वहां 4 साल में बटा हुआ था, यहां 7 दिनों में। तभी तो मैं कहता हूं जानते बहुत लोग हैं, बस जाके वहां अगली बार देखेंगे भाई हम। रियल में प्रतिस्पर्धा बहुत कम लोगों में हो पाती है वहां, जो दमदार स्टूडेंट्स होते हैं। कागज पे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद। उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नोट्स मेकिंग। इतनी चीजें पढ़नी है कि सब बातें आपके दिमाग में, मेन नोट्स होता है, उसके फुट नोट्स होते हैं उसके, मतलब वो हर स्टूडेंट्स का अपना तरीका होता है, हर टीचर अपने तरीके से आपसे शेयर करेंगे, जो तरीका आपको सूट करे आप उसको अडॉप्ट करिएगा। विषय विषय पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कभी भी आलस से नहीं। अच्छा पढ़ लिया है ना, आप सोचो कितनी बार आप अखबार पढ़ते हो गए, पढ़ते हो गए ना 2-4 न्यूज, कभी कभी तो पढ़ा होगा, कभी भी घर में आता होगा तो। आज का भी कई बार पूछना, अच्छा बताओ आज का न्यूज क्या था, कोई 2 न्यूज बता दो, ठीक है? आप खुद से ना हर बात को एनालाइज करना केवल, आप तो 2 न्यूज भी ध्यान नहीं रहते हैं, 3 न्यूज भी ध्यान नहीं रहते हमें। तो पढ़ने का मतलब क्या, पढ़ने का मतलब हमें ध्यान रखना है, कॉन्सोलिडेट करना है। हाँ है हमारे पास, जिस दिन कॉन्सोलिडेशन की कला आ गई नहीं ठीक से, मतलब आ जाएगी जिस दिन, क्या तीसरे दिन से हम डाल देंगे आपको ट्रैक पे, वो धीरे धीरे होता है। मतलब चीजें जब पकड़ में आने लगती है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही दिखने लगता है। पढ़ना ही नहीं बस कि हम अपने साथ कैरी भी करना है उसे, नोट्स मेकिंग बहुत हेल्प करता है उसमें। पांचवा है अभ्यास, प्रैक्टिस। सब कुछ ठीक है हमारा, ये चारों ठीक है हमारा, है ना? प्रारंभिक परीक्षा में गजब की तैयारी है, तो ये स्टूडेंट से कोई भी पूछ लो आप कांग्रेस का अधिवेशन कहां कहां, तो बता देगा पूरा 85 से 1947, तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में या मेंस वाले एग्जाम में? ये एक तरफ और ये एक तरफ। आपको याद होगा सोना मैम ने लास्ट में कहा था कि आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत करिएगा, जाते जाते कह रही थी ना भी थोड़ी देर पहले, आप लोग क्लास में थे, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे थे, प्रैक्टिस करिएगा। मैं भी जस्ट उसी से एंट्री हुई थी हमारी और वो प्रैक्टिस की बात कर रही थी आपसे। हम कितने पानी में हैं ये प्रैक्टिस ही हमें बताता है, ठीक है? अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूं, दूसरे दिन परसों या उसके आगे वाली क्लास में बताऊंगा। प्रैक्टिस के कई अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, है ना? लेवल 3 टॉप लेवल होता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं, ठीक है? तो मैं टॉपिक के साथ ही आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो, अभी ऐसे समझ लो पीटी मेंस के बारे में हमने कोई बात नहीं कर रहा हूं, आपने संविधान पढ़ना है, आपने इतिहास अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना, इंटरनेशनल रिलेशन, शॉर्ट भाषा में लोग उसे IR कहते हैं बहुत, है ना? गवर्नेंस पढ़ना है आपको, सोशल जस्टिस पढ़नी, सब विषय हैं आपके, सामाजिक न्याय वगैरह तमाम विषय आपने पढ़ने हैं। किसी भी विषय में इस स्टेप को कभी भी जंप नहीं करना है, ये देखना है कि ये आपका ठीक चल रहा है कि नहीं। ऑप्शनल पढ़ना है आपको,
कभी भी आप कहीं भी फंस गए हैं, इवन मान लो मॉडर्न इंडिया के किसी टॉपिक में आप फंस गए, समझ नहीं आई बात, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं बन पाई आपकी, अच्छा नहीं कर पा रहे आप, इसी में कोई पार्ट आपका जो है कमजोर पड़ गया है। ये आत्मनिरीक्षण वाला पार्ट है कि हम उस विषय में कितना हम ट्रैक पे हैं। यस अच्छा, 2-3 घंटे क्लास वाली हैबिट रही कि नहीं रही? अभी तो नहीं रही होगी ना, मतलब 45-50 मिनट का लेक्चर हुआ, ठीक है, और फिर 50 मिनट का लेक्चर हुआ, ऐसे करके रहता होगा, है ना? ये वाली तो रही नहीं, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतिहास भी 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब तक आपने जो इतिहास पढ़ा स्कूल कॉलेज वगैरह में जो भी पढ़ा होगा उसको अब हम साइड करेंगे, है ना, एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको इतिहास, जिसमें धीरे धीरे आप देखेंगे इतिहास हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, हर विषय का संबंध हमारे जीवन से है ना। तो 3 घंटे की क्लास हमने कहा, इसमें थोड़ी ब्रेक वगैरह होंगी तो वो हैबिट यूज टू हो जाएंगे आप। हम एक बड़े कॉज के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? बनना। हमने क्या कहा शुरू में, क्यों आग जल रही है भाई, बनना है। वो जलता रहेगा ना तो आपको वो एनर्जी पंप करता रहेगा। अब आते हैं हम सिलेबस पे, ठीक है, और फिर मॉडर्न इंडिया के सिलेबस पे आते हैं। फिर मॉडर्न इंडिया कैसे पढ़ेंगे, पहले टॉपिक का बैकग्राउंड में कराऊंगा, आज आपको मैं फ्री कर दूंगा, कल पहले टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग राइटिंग दोनों शुरू, टॉपिक उतर जाएंगे, क्लियर ना? क्लास में 5वें स्टेप को फॉलो करूंगा मैं हर एक टॉपिक पे, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊं, एंशिएंट मेडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, हर एक टॉपिक पे मैं 5वें स्टेप को फॉलो करूंगा, ठीक है। देखो सिलेबस में सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा की बात कर ले हम लोग, है ना, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है हमारा, प्रीलिम्स टेस्ट जो होता है ना, इसमें 2 पेपर की जानकारी आप सभी को है ही, एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एक एप्टीट्यूड का पेपर होता है। एप्टीट्यूड वाले में पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी होते हैं, कुछ हल्के फुल्के मैथ्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्सपर्ट होंगे आपको बताएंगे वो। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, हमें पास करना होता है इसमें। धीरे धीरे सारी बातें आपको, ठीक है, क्या पास करने के लिए आपको चाहिए नहीं चाहिए, है ना, इसमें ये हमें केवल पास करना होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है जैसे आप पास नहीं करोगे तो चाहे आप इसमें जितना भी अच्छा स्कोर कर लो आपके रिजल्ट नहीं बनेंगे। जीएस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। मान लो इसमें आपने 55 प्रश्न सही कर लिए नेगेटिव मार्किंग के साथ, आपने कुछ गलतियां हुई आपकी 15-20, उन सबको हटाने के बाद भी 55 यानी 110 नंबर हैं, तो पीटी आपका होना तय है, बट पता चला आपका स्कोर यहां पे 24 है, 25 ही रह गया आपका, आप इधर से तो क्वालिफाई कर गए बट ये क्वालिफाई नहीं किए, इसका नंबर ऐड नहीं होता है बट ये क्वालिफाई करना होता है। इसलिए हमने कहा कि आज जो शुरुआत करोगे आप पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ताकि आपको पहले दिन से आइडिया रहे। सारी बातें तो आज शुरू नहीं हो जाएंगे ना आपसे, जीएस के सारे दिन तो खंड पढ़ाएंगे ना सीसेट पढ़ाएंगे आपको, आपको तो पता रहे कि ऑब्जेक्टिव में सीसेट में कैसे सवाल पूछे गए थे लास्ट ईयर, दिमाग के किसी कोने में तो रहेगा, जीएस में कैसे पूछे गए थे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बट ये तो रहेगा अच्छा ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री जब शुरू होगा तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को आप देखना शुरू करोगे, दूसरा विषय शुरू होगा तो दूसरे पेपर को देखना शुरू करोगे आप। दिमाग के किसी कोने में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ना है।
नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है पीटी का। हमें ये पता होना चाहिए जब पीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ऑब्वियस है, हमने बताया आपको, दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी है नंबर एक, ठीक है, और इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, इससे मेरिट बनती है। ओवरऑल पिछले आप 7-8 वर्षों का एक रेशियो निकाल कर देखोगे आप, किसी भी स्टूडेंट का यदि 55 प्रश्न सही है ना 100 में, नेगेटिव, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने 100 में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, ठीक है, 60 सही हुआ और 10 गलत हुए, तो जो 10 गलत हुए उसके नेगेटिव, जैसे मान लो 57 रह गए उसके सही, तो उस जो गलतियां हुई वो नंबर काटने के बाद जो आपका अंक बचता है यदि 55 या इसके आसपास है तो वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं पिछले 8-10 वर्षों में। एक ओवरऑल तो हमें रखना पड़ता है ना आइडिया, बट ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे। जैसे अभी इस बार का तो एग्जैक्ट मेरिट अभी नहीं आया कि भाई कितने नंबर पे पीटी क्वालिफाई किए हम, बट इसके पहले जनरल स्टूडेंट 92 या 92 पॉइंट कुछ मार्क्स पे ही, यानी किसी स्टूडेंट के 46 पॉइंट कुछ नंबर क्वेश्चन सही थे तभी क्वालिफाई, 55 की जरूरत ही नहीं थी। उसके पहले 98 पे क्वालिफाई कर गए थे, यानी 49 किसी का सही था तो क्वालिफाई कर गए थे जनरल स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है, बट आप एक टारगेट रख सकते हो कि 55 से 60 या 60 क्वेश्चंस मुझे, ये अचीवेबल टारगेट है। यदि 10,000 रिजल्ट आते हैं तो उसमें 1,500-2,000 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 55, 60, 62 भी सही कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होते हैं। समझ में आ रही बात सभी को? तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में पेपर थोड़ा आपने देख लेना है और एक इनिशियल आइडिया दिया कि अच्छा ऐसा कुछ कट ऑफ होता है जो हमें अचीव करना होगा जब हम एग्जाम देने जाएंगे। तो मन में ये नहीं रखना कैसे करना, मन में रखना है कि हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिलेबस को ठीक से कमांड करना है। सारे सिलेबस ठीक होंगे तो ऑब्वियस स्कोर हमारा ठीक हो जाएगा, बट पता रहना चाहिए नंबर एक। इसके लिए तो आपके अलग एक्सपर्ट होंगे और जीएस में भी आपके अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, हिस्ट्री में करा रहा हूं आपको। अब जैसे 100 प्रश्न है एग्जाम्पल के तौर पर, आप सिलेबस देखोगे, आप उसमें दिया हुआ है भारतीय इतिहास पढ़ना है, सपोज दैट विश्व इतिहास नहीं है, भारतीय इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है ना, ऐसे भूगोल है, ठीक है, गवर्नेंस है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स, ऐसे करके लिखा हुआ है। 7-8 भागों में सिलेबस को बांट दिया गया है। इस 100 प्रश्न में किस विषय से कितना प्रश्न होगा ये कभी क्लियर नहीं होता है। ये बात भी समझ में आ रही सभी को ना? जैसे 100 में इतिहास से कितने होंगे, मान लो मैं इतिहास की बात करूं, इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं मैं, 10 होंगे 12 होंगे 15 होंगे पता नहीं, ये यूपीएससी तय करेगी, बट क्वेश्चन पेपर पढ़ने से क्या होता है, हमें ट्रेंड पता चल जाता, अच्छा 15 पूछे जा रहे हैं, 20 पूछे जा रहे हैं, 18 पूछे जा रहे हैं, मतलब इतना ही होता है। हम ये सोच के तैयारी नहीं करेंगे किससे क्या पूछे जाते हैं ना। तो 100 प्रश्न में किस विषय से कितने प्रश्न होंगे ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे से, जैसे हिस्ट्री में करा रहा हूं आपको, मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूं, बट ये यूपीएससी के हाथ में होता है कि किससे क्या पूछेगी, वो अभी मन में बिठा लीजिएगा नंबर एक। आइए हम लोग अब यहां थोड़ी इतिहास की बात कर लें। इस 100 प्रश्न में केवल भारतीय इतिहास की बात करें हम, पिछले 8-9 वर्षों से औसतन 15 से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा खासा चंक हो गया आपके इतिहास जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम। और पीटी का सिलेबस क्या कहता है, हिस्ट्री में क्या पढ़ने के लिए लिखा हुआ, हिस्ट्री में लिखा हुआ वहां पढ़ने के लिए भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। हमने क्या कहा, कोई भी चीज हमें पढ़ना है तो पहले सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में पढ़ने के लिए, भारत का इतिहास।
दसवीं तक सब तो इतिहास पढ़ के आए हुए ना सभी लोग, सब लोग पढ़ते हैं भारत का इतिहास 10वीं तक, विश्व इतिहास भी कुछ पढ़ते हैं। क्लियर है विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में। वर्ल्ड हिस्ट्री नो। भारत के इतिहास का मतलब क्या होता है? भारत का इतिहास का मतलब पता है ना सभी को, क्या क्या होता है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है कि यूपीएससी इससे ज्यादा पूछेगी कि इससे ज्यादा पूछेगी कि इससे ज्यादा पूछेगी। पीटी में 2 साल पहले तक लोगों ने यह बना रखा था मन में कि केवल मॉडर्न इंडिया पढ़ लो बहुत होता है। पिछले 2 साल में यूपीएससी ने गेम ही चेंज कर दिया है। क्यों? सिलेबस कहता था भारत का इतिहास, सिलेबस कहीं नहीं कहता था केवल मॉडर्न इंडिया पढ़ो। तो क्यों सिलेबस का रोल होता है? जब हम कह रहे थे ना आपको कि हम जब भी पढ़े हम तो हमेशा थोड़ा सिलेबस को समझने की कोशिश करें। शुरू में तो जो मैं बताऊंगा आप वही सुनोगे ना, जब आप पढ़ते जाते हो तब सिलेबस की बेहतर समझ बनती है, बट एक इनिशियल समझ तो चाहिए ना हमें। अच्छा कह रहा भारत का इतिहास तो हमें प्राचीन भी पढ़ना है पीटी के लिए, मध्यकालीन भी पढ़ना है, आधुनिक भी पढ़ना है। इतनी बात तो हमें मतलब 10वीं के आधार पर भी समझ के चलनी पड़ेगी। इसमें अलग से कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन यानी आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई आधुनिक भारत का ही एक हिस्सा होता है। आइडिया है क्या सभी को? स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत का ही एक हिस्सा है, जिसमें पढ़ते हैं हम गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब की भूमिका के बारे में जो हम पढ़ेंगे। हम अलग से देने का मतलब क्या है? भारतीय इतिहास में इसको ज्यादा महत्व। तो यदि 15 प्रश्न होते हैं तो इसकी संभावना रहती है कि 4 या 5 प्रश्न केवल आपके राष्ट्रीय आंदोलन पे। समझ में आ, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है बात में सभी को? इस सिलेबस को हम क्या कहते हैं? इस सिलेबस को कहते हैं हम सांकेतिक सिलेबस। यूपीएससी ने ये नहीं कहा कि आपको आप तय करो क्या पढ़ना है इसमें, हम तो पूछेंगे। तो यदि हम सिलेबस को ठीक से डिटेल में ना पढ़े कि देखो ये 20 टॉपिक पढ़ने हैं, 25 टॉपिक पढ़ने हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पढ़ना क्या था। पीटी के सारे जो सिलेबस हैं वो सांकेतिक हैं, ठीक है। इसलिए सिलेबस का एक डिटेल वर्जन होना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। अभी तो चलो वो तो अभी बताऊंगा इसके बाद, फिलहाल तो मैं बता रहा हूं सिलेबस क्यों महत्व रखता है। इसमें 2 छोटी सी बात यदि हम लोग और ऐड कर ले तो मजा आ जाएगा ऐसे समझने के लिए। अभी देखो आप क्लास के पार्ट हो तो हर बात कई बार बताऊंगा मैं, एक बार तो बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। मेरी अपनी भी एक गुडविल है ना, मतलब ठीक है, तो मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूं, है ना। जब आज से 10-5 दिनों के बाद कहीं कोई बातचीत होगी, कोई पूछेगा भाई किससे पढ़ रहे हो, तो स्टूडेंट तो थोड़े बहुत जानते ही हैं, मैं भी ना 16 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं अच्छा सुजीत सर से, तो भी मेरी भी अपनी गुडविल है, मतलब जो आ गया तो फिर तो उसको तो मैं पकड़ के बैठा के सिखाऊंगा मैं उसे, है ना। इसलिए छोड़ने वाले में से मैं हूं नहीं, है ना। देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ भारत का इतिहास कहां से शुरू करना और कहां लेके जाना है। लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। आप नाम बताएंगे अपना, क्या नाम है आपका? पंकज। आज कब से दिल्ली में हो तुम पंकज? 15 दिन हो गए दिल्ली एडजस्ट। कहीं बाहर से आए हो? कहां से आए हो? अच्छा कुछ एडजस्ट कर पा रहे हो क्या दिल्ली में? रिदम बनाने की कोशिश हो रही है ना। तुम्हारा नाम क्या गुड़िया? श्रुति। आप यहीं के रहने वाले हो? अच्छा यूएसए। गुड। बाहर से जो लोग आते हैं थोड़ा एडजस्ट करने में ना उनको, मतलब दिल्ली के हाव भाव है ना, ठीक है, सब सेकेंडरी। समझ में आ रही है बात में क्या कह रहा हूं ना? बनना है। अब देखो सिलेबस का खेल क्या होता है, कहां से शुरू, कहां से चले, कहां के लिए। किशोर कुमार का गाना है, हमें थी ही नहीं खबर इसकी, कहां से चलेंगे कहां के लिए पता नहीं।
कम से कम हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1975 या 1964 तक की महत्वपूर्ण बातें हम 1947 पे तो इसे रोक देंगे हम, बट किसी न किसी रूप में आपको 75 तक की महत्वपूर्ण बातें हम बता ले जाएंगे, क्योंकि प्रश्न भी आते हैं, ये भी छिपाई हुआ था इसके अंदर। और क्या होता है, जैसे हर एक टॉपिक आप देखोगे, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा शंकराचार्य जी की एक विशाल प्रतिमा का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, खबर आई थी ना, शंकराचार्य जी काफी न्यूज में थे। आप देखोगे हर एक दो दिन पे इतिहास का कोई ना कोई पर्सनालिटी, जैसे अभी गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व भी मनाया गया, अखबार थोड़ा बहुत देखते हो तो खूब जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था भाई, जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता एक दो दिनों पे जब कोई ना कोई इतिहास का कुछ ना कुछ न्यूज में ना रहना ही रहना है। कुछ दिन पहले सुना होगा आपने यूनेस्को ने विश्व विरासत में भारत के दो और स्थलों को शामिल किया है, एक धौलावीरा है और एक रामप्पा या रायप्पा मंदिर है तेलंगाना का, मतलब थोड़ा भी ध्यान हो आपको तो एक अलग से कहानी चल रही होती है। इसको हम कहते हैं समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, कंटेम्परेरी यानी पूरे साल इतिहास में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज में रहता है, उसके ऊपर अखबारों में कवरेज होती है। तो हमारी मंथली मैगजीन जो होती है उसमें आप 4 से 6 पेज का हम भी कवर करते हैं, इस महीने क्या न्यूज में रहा, 4, 5, 6, 8 टॉपिक हम उसमें कवर करते हैं बड़े लेवल पे, या जैसा जैसा इंफॉर्मेशन उस हिसाब से उसको हम कवर करते हैं। होता क्या है, हिस्ट्री वाले खंड में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक क्या था, कभी कभार कोई एक आधा प्रश्न आ गया, ठीक है ना, इस बार क्या हुआ, जो लास्ट एग्जाम हुआ है इसके इर्द गिर्द 5-7 प्रश्न पूछ लिए गए 20 क्वेश्चन में, पहली बार हुआ है इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 2017 से हम लोगों के यूट्यूब पे वीडियो वगैरह पढ़े हुए अपने विजन आईएएस के देखोगे आप, 17 से मैं लगातार एक ही बात समझाता हूं हर क्लास में, भाई जैसे जैसे सिलेबस कहे वैसे वैसे पढ़ लो, आप दिमाग इसमें मत लगाओ। यदि हमें 35 टॉपिक पढ़ने हैं तो एक काम मत करो कि एक ही टॉपिक पे 3000 इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, 100-100 इंफॉर्मेशन सभी टॉपिक पे, किसी पे 50, किसी पे 100, किसी पे 150, ये काम मत करो कि एक ही टॉपिक पे आप सारा रिसर्च कर रहे हो। ये तैयारी विषय से ज्यादा मैनेजमेंट की तैयारी है, कौन कितना बढ़िया मैनेज कर सकता है, कौन टॉपिक के महत्व को समझता है। अब इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, करीब करीब 50 पेज के आसपास, 60 पेज के आसपास हमारा पूरे साल का होता है, मैं खुद क्लास भी लेता हूं इसके ऊपर में, साल में 3-4 क्लासेस में ले लेता हूं इसके ऊपर में, बीच बीच में महीने 2 महीने पे, है ना, वो मैं कवर कराता हूं मैं भी उसको अपने रेगुलर क्लास के साथ साथ। तो एक सिलेबस में भी हिडन है। यस पंकज, समझ में आ रही बात सभी को, ये समझ में थोड़ी बहुत बात आ रही है ना, सिलेबस समझना जरूरी है नहीं है, है ना, ठीक है। नंबर एक, थोड़ी सी बात इसमें एक बात आपको और बता दूं, क्योंकि हमें पढ़ना तो मॉडर्न इंडिया है बट फिर भी हड़प्पा सभ्यता का नाम सभी ने सुना है ना, मौर्य काल का नाम सुना है, अशोक के बारे में हम सुना हुआ सब, ठीक है, 10वीं तक जो पढ़ के आए तो वो एटलीस्ट इतना तो पढ़ के आए ही है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, जैसे मान लो मौर्य काल पढ़ेंगे, अब हम प्राचीन भारत का एक टॉपिक है, प्राचीन भारत में 10 टॉपिक है, अभी मैं प्राचीन भारत का परिचय नहीं दे रहा हूं आपको, है ना, 10 टॉपिक हमें पढ़ने, एक टॉपिक है हमारा मौर्य काल। तो हमने बता दिया आपको, ठीक है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्यों का, मौर्यों का मतलब क्या हुआ, मौर्यों के इतिहास को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, हम राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, हम आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे, हम सामाजिक इतिहास पढ़ेंगे, हम और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ेंगे। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री में 10 टॉपिक पढ़ने हैं, हर टॉपिक के 4 सेगमेंट होंगे, सांस्कृतिक इतिहास में हमें क्या पढ़ना होता है, कला के बारे में पढ़ना होता है, धर्म के बारे में, शिक्षा साहित्य के बारे में इत्यादि,
एक एग्जांपल, समाज में क्या पढ़ना होता है, सब मैं तब बताऊंगा जब बताऊंगा मैं आपको। राजनीति में वंशावली पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, कुणाल, ये वंशावली कहते हैं इसको। युद्धों के बारे में, प्रशासन के बारे में, विस्तार के बारे में, सबका एक कॉन्सेप्ट है। किसी भी काल की राजनीति में हमें क्या पढ़ना है, सोसाइटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, बहुत एक साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज विषय है ये भी, है ना। अब यूपीएससी में क्या होता है, जैसे मान लो प्राचीन भारत से सपोज दैट 7 प्रश्न पूछे गए एग्जाम्पल के तौर पे, या 8 प्रश्न पूछे गए 10 टॉपिक से, उसमें भी देखोगे आप तो 5-6 प्रश्न तो सांस्कृतिक इतिहास से ही पूछ लिए जाते हैं। सांस्कृतिक इतिहास इतिहास से अलग नहीं होता, जैसे हम आज हम जिस दौर में, हमारी एक संस्कृति है, इतिहास का ही वो हिस्सा होता है। आ रही बात समझ में? तो जो सिलेबस लिखा हुआ यूपी से, उससे ये तस्वीर भी साफ नहीं होती है। पढ़ना क्या होता है, अच्छा ठीक है, हमें डिटेल सिलेबस बना लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर, सब पे पकड़ बना ली, और जो ट्रेंड चल रहा है उस पे हमने उसका दायरा बढ़ा दिया। भाई देखो, चाहे क्रिकेट की भाषा में कहें तो कोई कैसा भी मैदान हो, हम खेलेंगे जरूर, लेकिन भाई ठीक है, जैसे आपका ट्रेंड ये है, आप यहां बॉलिंग करते हो या आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो, उसकी हमारी विशेष तैयारी। ये एक तरीका होता है पढ़ने का कि आप पहले पूरे विषय पे पकड़ बनाइए अपनी, और जहां जहां ट्रेंड होता है लगातार 10 साल 20 साल का, कि नहीं यहां यूपीएससी क्यों महत्व देती है, मैं बताऊंगा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा क्यों आखिर महत्व देती है इसको। ये सब चीजें जीवंत हम जी रहे होते हैं, इसलिए इसे महत्व दिया जाता है। मान लो जो हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ निर्गुण होंगे, कुछ सगुण होंगे, जो सगुण होंगे शिव को मानते होंगे, कोई वैष्णव मानते होंगे, ठीक है, कोई वैष्णव में भी देखोगे कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई बजरंग बली को मानते हैं, मतलब आज से 1500 साल पहले और आज में क्या बदलाव आ गया, तो कुछ भी नहीं। हमें लगता है कि हम 2021 में 21वीं सदी में, बट कुछ भी नहीं। दो भाई धर्म से सवाल रहेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि कल्चर को यूपीएससी क्यों महत्व देती है, क्योंकि ये हमारे रक्त में, हमारे रगों में, हमारे जीवन में बह रहा होता है, इसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसके लिए केवल काले अक्षर की तरफ जाने की जरूरत, यानी किताबों में तो जाएंगे जरूर हम, क्योंकि बेसिक बातें वहीं से हमें मिलेंगी, बट उसको अपने जीवन में भी देखेंगे कहां कहां ये सब है हर टॉपिक वाइज। ऐसे ही मिडिवल इंडिया में 4 मेजर ट�पिक होते हैं, 14 हो गए, मॉडर्न इंडिया का भी सिलेबस मैं लिखाने जा रहा हूं आपको। तो ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा का एक सिलेबस, क्लियर ना, जिसमें बहुत कुछ हिडन है, बस थोड़ा आपको समझा दिया हमने कि हम जब भी टॉपिक, जैसे एंसेंट शुरू करूंगा मैं, पहले 10 का 200 टॉपिक आपको लिखाऊंगा मैं, फिर एक एक टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में, फिर उस पर बात, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, जैसे मॉडर्न में भी हम करेंगे हम। तो मॉडर्न का पूरा सिलेबस अभी हम लिखेंगे हम 47 तक का, कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, और फिर कैसे पढ़ेंगे, सोर्स क्या होगा, है ना। गॉट इट? वन, ऐसे जैसे हमने पीटी के बारे में बताया, एक थोड़ा क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया, आज वाली क्लास चाहो तो आप दोबारा ना एक बार आप वीडियो रिकॉल कर लेना, एक बार देख करके, आज लोड तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल में, है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या, एक बार टॉपिक शुरू कर दिया तो पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक वो स्टेशन की तरह है, जैसे अलीगढ़ है ना, मतलब आप यहाँ से जाओगे आप, ठीक है, तो गाजियाबाद रुक गए, अगला फिर कोई और स्टेशन आया, फिर अलीगढ़ आ गया पंकज, उसके बाद ऐसे ही टॉपिक हो जाएगा, एक बार शुरू हो गया तो फिर स्टेशन की तरह चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो स्टेशन वाली तो बस अब शुरू है अब एक तरह से, चलो। अब दूसरा क्या है मैं आपको बताऊं, मेंस रिटेन, ठीक है, जो रिटेन एग्जाम होता है यूपीएससी का, आप सबको तो पता ही ना 1750 मार्क्स के होते हैं ये, क्लियर ना सभी को। 1750 नंबर में जनरल स्टूडेंट्स को 734 नंबर, अभी जो शुभम टॉपर हुए हैं इस साल, ठीक है, जनरल स्टूडेंट कहने का मतलब वो अपर कट ऑफ होता है, उसके नीचे ही सारे कट ऑफ होते हैं,
15-20 नंबर का ओबीसी से डिफरेंस होता है, ऐसे ही एससी एसटी में डिफरेंसेज होते हैं, सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, एक आधा बार एकदम बिल्कुल जानने, ये सब सदुपयोग है। हमने क्लास में शुरू में कहा था ना, टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग भी करना है, दुरुपयोग भी, वही सदुपयोग है कि हमें पता तो हो क्या चल रहा है, ठीक है, वो चल जाएगा पता आपको। अभी इस बार 734 नंबर पे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया स्टूडेंट को, इससे पहले 751 नंबर पे बुलाया गया था, एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई सिंबॉलिक लीजिएगा इसको, बट लगभग यही है, कट ऑफ नीचे गिर गया। उससे पहले 774 या 72 नंबर पे बुलाया गया था, मैं लास्ट 3 साल का बता रहा हूं, 1750 में 3 साल पहले जिसको इतना नंबर था वो इंटरव्यू कॉल के लिए गया, 2 साल पहले इतना नंबर था वो गया, इस बार जो सिलेक्शन हुआ शुभम वाले उसमें। एक बात यही दिमाग में बैठा लीजिए, पीटी का जो सारा तामझाम है वो क्वालिफाई करने के लिए है, पीटी के इवन जीएस का नंबर भी आपके सिलेक्शन में ऐड नहीं होता है, आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो इसी से होगा और इंटरव्यू से होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 275 नंबर का होता है, ठीक है। सपोज दैट 1750 में जिस स्टूडेंट को 734 नंबर आए, यदि इसके ऊपर आप जहां तक उठा सकते हो नंबर उठाओ, आप जितना मेहनत कर सकते हो। किसी स्टूडेंट्स को मान लो यहां पे 80 या 70 नंबर अधिक आ गया, यानी किसी को 800 नंबर आ गए सपोज दैट रिटन में, यहां पे तो उसका सिलेक्शन तय है, किसी को 825 आ गए हैं, किसी को 750, मतलब जितना ऊपर आप हैं रिटर्न में, इसमें पीटी में जैसे आप क्वालिफाई कर गए तो आपको मान लो पीटी में 120 नंबर आ गए, उस नंबर का इसमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म कहानी उसकी, उससे मेरिट नहीं बनता, बस आप अगले स्टेज के लिए आप एलिजिबल हैं। मिनिमम एक क्राइटेरिया मैं बताता हूं आपको, जो कट ऑफ होता है जहां से इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है, यदि स्टूडेंट्स को जो कि टफ होता है 210 नंबर, 734 में 210, 751 में 210, 774 में 210, 208, 210 नंबर ऐड कर दोगे तो वो सबसे लोअर रैंक होता है सिलेक्शन का। मैं फिर समझा रहा हूं इसको एक बार, 1750 में मान लो किसी को 734 मार्क्स आ गए, इंटरव्यू में उसको 210 आ गया तो सिलेक्शन हो गया उसका, नीचे का कोई रैंक मिल जाएगा उसे। मान लो किसी स्टूडेंट को यहां 800 नंबर आ गए, उसको 200 नंबर आ गए तो वो टॉप 10 में आ जाएगा, नहीं तो नहीं, 734 210 आ गए तो नीचे से 10वें नंबर पे रहेगा वो, यही 800 और 210 हो तो ऊपर से 10 नंबर पे रहेगा वो। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता है, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं मेन, ये तो चलो इनिशियल समझा रहा हूं। 5 लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है, वो पूछेंगे ना, कोई वो सब भी सीख जाएंगे, आपको इतनी बड़ी बात नहीं होती है, अच्छा होगा वो भी होता है, बट ये पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। यानी आप जिस ड्रीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हो कि मुझे इसको रियलाइज करना है, आपको क्वालिफाई करना है, आप ये बैठा लीजिएगा पीटी मेंस इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है आपका वो है मेंस। अब जितना अधिक नंबर उठाओगे सफलता की सीढ़ी उतनी सरल हो जाएगी आपकी, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है, पूरी तरह से आपके हाथ में, और ये तभी है जब आप जम के अभ्यास करोगे किसी विषय में। आपको नौकरी मिलेगी या आप बाहर रहोगे ये इस पे तय करेगा, ये बात क्लियर सभी को ना। एक बात, जब यात्रा पे निकले तो पता तो हो हमें अलीगढ़ जाना है, तो पीटी का अलीगढ़ मैंने बताया क्या है आपको, मेंस का अलीगढ़ मैंने बताया क्या है आपको, अलीगढ़ पंकज जहां से आए हैं, है ना, यानी हमें यहां जाना है, ये अचीव करना, ये वैरी करता रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है हमें, ये कल बढ़ के फिर 774 हो सकता है, उससे मतलब नहीं,
यानी मेंस पे हमें उस लेवल को रखना है जिससे हम कट ऑफ से ऊपर की तरफ। आप हमसे पूछोगे ना एक बात, सर पूरी तैयारी में एक बात क्या ध्यान रखना चाहिए, भाई देखो जिस दिन पूरे सिलेबस के किसी भी टॉपिक पे हाथ रख दिया गया कि इस पर लिख दो 10 मिनट में 8 मिनट में तुम, ये क्वेश्चन है, और तुमने उस समय पेज उठाया पेन उठाया और लिख दिया एवरेज राइटिंग, उस साल तुम्हारे इंटरव्यू कॉल आ जाएंगे एक लाइन, ठीक है। हम उसकी योजना बना, अच्छा 5 दिन पढ़ते हैं 7 दिन पढ़ते हैं 10 दिन पढ़ते हैं फिर मैं, तो फिर वो 2 साल 3 साल अभी लगेगा। एक लाइन में समझा रहा हूं आपको मैं, आपकी तैयारी का बैकबोन है मेंस। मेंस बहुत अच्छा होगा तो प्रीलिम्स को आप वैसे ही दबा के निकल लोगे, सिखाऊंगा मैं कैसे, ठीक है। और मेंस अच्छा होने का मतलब जो भी टॉपिक हम पढ़ें उस पर राइटिंग के लिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। हर विषय में जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो 10-12 राइटिंग करोगे तो आप एक रिदम बन जाएगा आपका, किसी के कम में भी बन सकते हैं किसी के थोड़े अधिक लग सकते हैं, लेकिन जो बचेगा वो नहीं बन पाएगा उसका, वो अच्छा वक्त गोल्डन मोमेंट कभी नहीं आएगा। ऐसे ही पॉलिटी पे 5-7-8 राइटिंग करोगे एक ट्रेंड बन जाएगा आपका, धीरे धीरे आप उसे इंप्रूव करते चले जाओगे फीडबैक के साथ। तो पीटी मेंस और इंटरव्यू में आपने इसको संभाल लिया, 2 बार प्रीलिम्स नहीं होगा। अभी एक गाजियाबाद की एक लड़की क्वालिफाई की, उसका कहीं देख रहा था मैं, शायद 1-2 बार प्रीलिम्स उसके नहीं हुए थे, अच्छी रैंक आई है सब मिश्रा या कुछ है ना, कहीं पढ़ रहा था उसका इंटरव्यू अखबार में आया था कि भाई मेरा हुआ नहीं, बट मैं निराश नहीं थी और डॉक्टर वगैरह भी शायद है वो। 3 बार पीटी में कोई बात नहीं, 1 बार होगा 1 बार में क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर सभी को ना? तो तैयारी का आपका बैकबोन होगा मेंस, बाकी चीजें भी ना मैं आपसे बात करता रहूंगा। अभी जो आज का हमारा मकसद होता है, सबसे पहले तो एक बार इंटरेक्ट करें हम लोग, है ना, शुरू करें हम लोग, आप भी देखें हाँ किन से बात शुरुआत कहाँ हो रही है, कौन मिलेंगे, क्या कैसे बात होने जा रही है। दूसरा आप जो एक अनुभव मैंने शेयर किया आपसे कि डेडिकेशन है तो कुछ भी बाधा नहीं बनेगी, कुछ भी बाधा नहीं बनेगी। तीसरी बात ये बताना कि बात आप समझ लो 20 किताब और 50 किताब वाली कहानी, 20 किताब 4 साल में पढ़ के जाते हो, 50 किताब 7 दिनों में परफॉर्म करना, यही मेंस में। कहने का मतलब 50 किताब नहीं होती है, बट एक एग्जाम्पल रख लीजिएगा, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है इसका। और अगली महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया, जो सबसे महत्वपूर्ण जहां शुरुआत की, भाई 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैं मॉडर्न इंडिया पीटी और मेंस पढ़ाऊंगा आपको, तो लगे हाथ थोड़ी बहुत हमने बात कर ली आपसे, देखो पीटी के अंदर क्या स्कोर वगैरह होते हैं, मेंस के अंदर क्या होते हैं, आपकी तैयारी में मेंस कितना मायने रखता है खुद भी बैठ के सोचो। पीटी क्वालिफाई का नंबर ऐड होना नहीं, इंटरव्यू में 5 पर डिपेंड करता है क्या टोन सेट होता है वहां पे। आप गए 5 बैठे हुए, ठीक है आइए श्रुति, है ना श्रुति नाम बताया ना आपने, बढ़िया श्रुति को बुलाया गया क्लास के अंदर, नाम क्या आपका, आदित्य, ठीक है आदित्य, ठीक है इंटरव्यू के लिए गए 5, हाँ आइए आइए बैठिए प्लीज, ठीक है ना, अच्छा बताइए आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं ना। आपने कहा भाई मैं समाज सेवा, तो आप अन्ना हजारे के साथ क्यों नहीं जुड़ गए आप, ठीक है नहीं सर मैं आईएएस, अरे हम तो 30 साल नौकरी करके बैठे हैं कुछ कर ही नहीं पाए आज तक, तो हम नहीं सर मैं कर लूंगी, कैसे कर लोगे तुम्हारे पास तो कुछ होता ही नहीं है, जो पावर होते हैं मंत्री के पास होते हैं, अब तो ये सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा पावरफुल है। अरे यार मुझे तो इतना नहीं, मैं कैसे कर लेंगे आप, अच्छा एनवायरमेंट, धीरे धीरे पसीना आना शुरू, तो पसीना पूछे थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी के ग्लास ऐसे बढ़ा देंगे आपकी तरफ। वो बोलेंगे देखो जी हम 5 बैठे हुए ना, 30-30 साल हमने नौकरी करी, 150 साल हमने 5 ने मिलकर नौकरी करी, अब तो बच्चे हो भी हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। अब आप बोलोगे सर ये आपकी गलती, आप नहीं कर पाए, ठीक है बेटा आप जा सकते हैं पानी पी के, है ना आप जाइए बेटा, ठीक है बहुत प्यार से बात करेंगे, वहां क्या टोन होगा, चलो वो अलग बात है, वो कहनी कैसे हैंडल करें वो सब बेसिक बात, इतनी बड़ी बात नहीं होती, आप इन सब को मत रखिएगा सर में भी आप, अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कुछ भी, सब चीजें सेटल्ड है, सब सॉल्व हो जाती हैं, अच्छे इसको ऐसे हैंडल करते हैं, होता क्या ना इन सब, जैसे हमने कहा ना 50 किताब को मैनेज कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, पर्सनैलिटी किसकी मजबूत होगी आपकी, मैनेज करने का मतलब आपका इंटेलेक्चुअल हॉरिजन ब्रॉड हो रहा है,
फर्क नहीं पड़ता कि आप 6 फीट 1 इंच के हैं, ऑलमोस्ट मेरी तरह, या फिर आप 5 फीट हम 7 इंच के हैं। हम जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं फर्क नहीं पड़ता है, हम कितना मजबूत हैं, कितना लॉजिकल हैं, ये मजबूती मायने रखती है। इसका कोई सिलेक्शन से मतलब नहीं होता है कि हम देखने में बहुत अच्छे हैं कि नहीं हैं। इन सब चीजों को पढ़ने से क्या होता है, हमारा मेंटल होरिजन, ये इसका खेल है और ये सारा कुछ इस पर टिका हुआ है। ये अच्छा होगा तो इंटरव्यू अच्छा होगा, ये अच्छा होगा पीटी अच्छा होगा, ये अच्छा होगा निबंध अच्छा होगा, मेंस अच्छा होगा तो सब कुछ ही अच्छा होगा आपका। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा देखेंगे, जैसे क्या होता है कि आईएएस प्री में ना, जैसे स्टेट के वगैरह के एग्जाम होते हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, वहां पे सीधे सीधे वही पूछेगा 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई, दे देगा वहां 10 मई 15 मई 20 मई, इनमें से कोई नहीं, 10 मई लगा दो भाई टिका, ऐसे वाले सवाल होते हैं। यहाँ ऐसा सवाल होता ही नहीं है, एक बहुत कम होते हैं, 5-10 होते हैं, एक पूछेगा उस पर 4 विकल्प दे देंगे, 2 ऐसे विकल्प होंगे, 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई, ठीक है भाई ये तो कोई बता देगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के आया होगा। अगला देगा, इस विद्रोह में असंतुष्ट जमींदारों के साथ साथ शासकों की भी, पता चला अब वो उस तरह की बात नहीं करेगा बल्कि वो आइडिया बेस्ड बात करेगा आपसे। इसलिए हमने कहा आपको कि पीटी में भी मेंस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें, पीटी में भी मेंस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें, इसलिए मेंस इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, और मेंस अच्छा होगा जब बेहिचक आप राइटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितने जितने आपके कंफ्यूजन्स होंगे आप सब नोट करते जाइएगा, मतलब क्या क्या लर्न करना आपको जानना है, शुरुआती क्लासेस में सारा एड्रेस कर दूंगा मैं, बस मुझे बताते जाइएगा आप सब लोग, किसी दिन कुछ उठा लेंगे हम लोग क्लास के साथ साथ, किसी दिन कुछ उठा, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट उठा लेंगे, हिंदी मीडियम उठा लेंगे हम, कुछ भी लगता है, इंटरव्यू लगता है, जो जो मन में हो सवाल, मतलब रखना नहीं हमें, 5-5 मिनट 10-10 मिनट हम बात करते हैं क्लास के साथ साथ हम, ताकि एक बेसिक जानकारी आपको हर चीज की रहे, उसके लिए आप बिल्कुल ही लक्ष्य एकदम, महाभारत वालों किस्सा आपको ध्यान होगा, वो है ना, वो आंख वाली मछली की आंख वाली बात की जाती है, बहुत सारे लोग थे वहां पे, वो सीन कभी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, है ना, महाभारत सीरियल से, है ना, अर्जुन ने कहा बस केवल मैं आंख ही देख ही रहा था, मैं तो मछली ऐसे घूम रही थी। आप अपने लक्ष्य पे रहिएगा कि ठीक है ब्रॉड गोल हो गया, अब एक होता क्या ब्रॉड गोल होता है, फिर धीरे धीरे हम टारगेट सेट करते हैं, अब जब थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप प्लान कर पाएंगे, अच्छा ऐसे पढ़ना है, इतना टाइम लग रहा है, अखबार हम कैसे मैनेज करें, नोट्स मेकिंग क्या होगा, बहुत सारी चीजें लर्न करनी, किताब को कैसे एडजस्ट किया जाता है, स्टडी मटेरियल को, मतलब हर चीज का एक स्टेप होगा, मतलब घबराना हमें किसी चीज में कभी भी नहीं है, वही लर्न करने हमें है, करंट को हम कैसे यूज करेंगे, हम मैगजीन पढ़ें कि हम अखबार पढ़ें, हम एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, बस आप अपने क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा। मैं तो अपनी तरफ से, मुझे पता है मुझे क्या क्या आपने बताने हैं हिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है, हर चीज सेटल हो जाएगा आपका आने वाले 15 क्लासेस में तो, ठीक है, एक ट्रैक पे एकदम। और जो 5 स्टेज है ना, ये तो मैं अभी 2 से 3 क्लासेस में आपको मैं एक टॉपिक जैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, करा दूंगा मैं, ठीक है, ये बात भी आपसे हो गई है ना। तो इसमें क्या हमने कहा कंक्लूजन में, मेंस और राइटिंग से इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ भी नहीं है, बोलिए मेरे साथ साथ एक बार, मेंस और राइटिंग से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगेगा ये बच्चों वाली बात हो रही, बिल्कुल, मंत्रों को ऐसे ही दोहराया जाता है, ठीक है, फिर वो आदत का हिस्सा बन जाता है, है ना, मंत्रों को ऐसे ही दोहराया जाता है, अब आते हैं थोड़ा सा मैं हिस्ट्री मेंस का सिलेबस बता दूं और फिर मॉडर्न इंडिया पे आ जाऊं मैं, है ना। देखो जीएस में मेंस के 4 पेपर हैं, आप चारों आज पढ़ेंगे घर पे जाके, आज का होमवर्क बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। जीएस में जनरल स्टडीज में मेंस में 4 पेपर हैं टोटल, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4, और हर एक पेपर 250 नंबर का होता है ना,
हजार नंबर के आपके जीएस मेंस हो गए। एक निबंध का पेपर होता है 250 नंबर का, और एक ऑप्शनल का वैकल्पिक विषय होता है, वैकल्पिक विषय 500 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा में चार जीएस के पेपर होते हैं, 250-250 इंच नंबर के हिसाब से बांट दे रहा हूं मैं इसे, 1250 ये हो गए आपके, और 500 1750 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके अलावा दो और राइटिंग करनी होती है, एक अंग्रेजी की राइटिंग होती है, दूसरा हिंदी या कोई और भाषा भी आप जो 8वीं अनुसूची में संविधान में दिया गया जिसमें आप राइटिंग कर रहे हो, मराठी हो या जो भाषा हो आपका, ठीक है, कन्नड़ हो मलयालम हो, दो लैंग्वेज के पेपर हमें क्वालिफाई करने होते हैं मेंस में, ठीक है ना। उसके नंबर ऐड नहीं होते, क्वालिफाई करने का मतलब मेरिट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये मेन हो गए हमारे, ठीक है। पेपर वन में हमें जो पढ़ना है उसमें इतिहास पढ़ना है हमें, भूगोल पढ़ना है हमें, और सामाजिक मुद्दे पढ़ने हैं हमें, ठीक है। 250 नंबर के सवाल इससे होंगे। अभी क्या होता है, जैसे एक पेपर में अभी यूपीएससी 20 प्रश्न पूछ रही है, पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री ऐसे कर देखोगे आप, 20 क्वेश्चन पूछती है, वो सब धीरे धीरे देखते देखते आपको सेट कर जाएगा। उस 20 में इतिहास से कितने होंगे, भूगोल से कितने होंगे, इससे कितने होंगे, यूपीएससी तय करेगी। 2, 3, 4 आप जाकर के आज सिलेबस में देखिएगा, पेपर टू में क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना, जैसे संविधान पढ़ना है हमें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं हमें, है ना, छोटी मोटी और चीजें हैं ऐसे करके। पेपर थ्री में इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें, आंतरिक सुरक्षा है उसमें, है ना, ऐसे करके। पेपर फोर में एथिक्स पढ़ना है हमें, तो जीएस के पेपर ऐसे बनाए गए हैं, यहां भी यूपीएससी तय करती। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या कह रहा है हिस्ट्री के अंदर, अब बहुत ब्रीफ में इसको हम देख रहे हैं। इतिहास मीन्स में क्या पढ़ना है हमें, इतिहास मीन्स में यूपीएससी कहती है संस्कृति और विरासत पढ़नी है आपको, ठीक है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, ठीक है, एक तो हमें यह पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है मेंस में, विश्व इतिहास पढ़ना है, ठीक है, इसका भी सिलेबस बता दिया गया है क्या पढ़ना है, कुछ कुछ हिडन है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत को अलग से दिया गया है सिलेबस में। आधुनिक भारत में क्या लिखा हुआ है, 1750 से लेकर वर्तमान तक, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तभी सिलेबस समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है, ये जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तब सिलेबस समझाऊंगा। संस्कृति और विरासत, सिंपल सी चीज होती है विरासत, जैसे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह न्यायपालिका को देखते हैं आप, अपना एक संविधान है, अभी संविधान दिवस मनाया गया था आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही, है ना, संविधान देख रहे हैं आप, आईपीसी के बारे में सुनते होंगे, इंडियन पेनल कोड के दफा इतने के तहत इन्हें पिक्चर में आता रहता है। जब कभी आप सोचो कि अच्छा ये सब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये सब ब्रिटिश शासन की देन है, अंग्रेजों की विरासत है, तो भाई इसको हमने अपनाया है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ऐसे ही देखोगे जैसे चुनाव अभी यूपी के अंदर होने हैं, कहीं कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, देखोगे बहुत सारे उम्मीदवार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, या पार्टी भी तय करती है जाति और धर्म के नाम पर, करती है ना जाति और धर्म के नाम पर। तो अभी क्यों जाति और धर्म के नाम पे इस तरह की, तो आप देखोगे ब्रिटिश शासन काल में ही जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, तो जाति और धर्म के नाम पे अंग्रेजों ने हमें लड़ाना शुरू कर दिया और हमने लड़ना शुरू कर दिया,
तो ये अंग्रेजों की नकारात्मक विरासत है, ठीक है, ये अंग्रेजों की नकारात्मक। मान लो हिंदू धर्म को मानते हैं, खूब बहस चल रही है हिंदू ये है हिंदुत्व ये है, राहुल गांधी जी ने भी एक बात कही थी हिंदू ये है हिंदुत्व ये है, ठीक है, वो सब भी अभी आ जाएगा जब कल्चर पढ़ेंगे तो हम, है ना। कुछ भी जैसे मान लो कभी आपने देखा होगा यदि हिंदू धर्म को मानते हो आप, विवाह में देखोगे आप सात फेरे लिए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे संस्कार होते हैं, फिर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करोगे तो वो सब चीजें परंपरा आज से कम 2500-2600 साल पहले से हमें मिल रही है, 2600 साल से चली आ रही है परंपरा, 2700 साल से, 3000 साल से, कई सारे पूजा पाठ कभी करते होगे यदि आस्तिक हो तो पंडित जी पूछते होंगे अच्छा अपना गोत्र का नाम बताओ, कहां उत्तर वैदिक काल से गोत्र प्रथा चली आ रही है ना। तो हमें पता भी नहीं चल पाता है कि किन चीजों को हम सैकड़ों हजारों साल से अपने साथ हम कैरी, ये विरासत हो जाता है। कुछ विरासत मूर्त होती है कुछ अमूर्त होती है, तो ऐसे करके जब हम आएंगे ना आपको तो बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है ये भी। हमें इतिहास वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ना जैसे आप पढ़ के आए, ये आप ही जानते हैं कैसे पढ़ के आएंगे, लिया याद किया जाके एग्जाम में, बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ने में, ठीक है। तो ऐसे विरासत है, संस्कृति है, तो सबका तब मैं डिफाइन करूंगा संस्कृति क्या है, आर्ट क्या है, कल्चर को किस तरह से देखा जाता है, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा आपको। तो ये आधुनिक भारत हमने क्या देखा, पीटी में भी हमें आधुनिक भारत पढ़ना है और मेंस में भी आधुनिक भारत पढ़ना है। पीटी में हमने क्या देखा, पूरा भारत का इतिहास पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। मेंस में राजनीतिक आर्थिक का उतना रोल नहीं है, सिलेबस साफ साफ कह दिया गया है, ठीक है। तो पीटी और मेंस में मॉडर्न इंडिया का सिलेबस कॉमन हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। क्लास की प्रायः शुरुआत हम चाहें तो प्राचीन से जहां से चाहें वहां से कर सकते हैं, प्रायः शुरुआत मॉडर्न इंडिया से करते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है, एक तो मतलब बहुत सारी चीजें आज से जुड़ी हुई हैं हमारी, उसमें हम थोड़ा जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। दूसरा, जैसे आप इकोनॉमी पढ़ोगे या संविधान वाली, साथ में कोई भी क्लास चलेगी ना, ज्योग्राफी को छोड़ दो आप, ठीक है, ज्योग्राफी का इतिहास क्या बताएंगे हम, ज्योग्राफी तो इतिहास बताती है हमें। दूसरा, कोई भी विषय पढ़ोगे ना आप, तो शुरुआत जब भी होगी उसमें हिस्ट्री के बैकग्राउंड में मॉडर्न इंडिया की विशेष चर्चा होती है, ठीक है ना। ये तो आसानी से थोड़ा समझ में आ जाता है, क्योंकि आज का जो भारत है वो मॉडर्न इंडिया की ही देन है। जैसे मैं आपको कहूं कि हमने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई, इसका उत्तर आपको राष्ट्रीय आंदोलन देगा। हमने लोकतांत्रिक तरीका क्यों अपनाया, ये राष्ट्रीय आंदोलन बताएगा आपको। हमने कानून का शासन क्यों अपनाया, राष्ट्रीय आंदोलन बताएगा आपको। संविधान का शासन क्यों, राष्ट्रीय आंदोलन। सिविल सेवा क्यों, राष्ट्रीय आंदोलन। पर निरपेक्ष राज्य क्यों, राष्ट्रीय आंदोलन। भाषाई विविधता क्यों, राष्ट्रीय आंदोलन। अब किसी भी प्रश्न पर हाथ रखोगे ना, ये क्यों, उत्तर मॉडर्न इंडिया देगा। उत्तर दे तो हमसे पढ़ ही लेते, पढ़ना है भी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत संविधान यदि आप जानते हो, संविधान के लगभग किसी भी प्रावधान पर हाथ रख दो आप, अच्छा ऐसा क्यों, उसका उत्तर इतिहास देगा, संविधान ने। समझ में आ रही क्या बात, कुछ भी प्रश्न पूछा, अच्छा आने जाने की कहीं भी आजादी है, क्यों, क्योंकि आजादी नहीं थी, कैसे नहीं थी, आधुनिक काल में, मध्य काल में, प्राचीन काल में पढ़ेंगे, संगठन बनाने की आजादी, अच्छा है, अभिव्यक्ति की आजादी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल, क्यों, मध्य काल में प्राचीन काल में ज्यादा अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति बोलते तो गर्दन, अभिव्यक्ति चाहिए तुम इधर आओ, मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया के पीछे एक रीजन होता है कि हम क्यों मॉडर्न इंडिया से प्राय कर कहीं से भी सकते हैं, ठीक है। आइए अब जरा हम लोग मॉडर्न इंडिया सिलेबस पे चलते हैं, मेंस और बीटी के बारे में, बाकी जब जो पार्ट शुरू करूंगा तब उसके सिलेबस पे विस्तार से मैं बात करूंगा, ठीक है।
अभी हम मॉडर्न शुरू करें तो मॉडर्न पे बात करते हैं। ठीक है, अब पीटी और मेन सब दिमाग से निकाल दीजिए, अब खत्म। वो अब क्लास के साथ समझेंगे उसे। हम आधुनिक भारत को तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा हो गया आपका 1750 से 1857 कर लो, 8 कर लो, ये कोई, ये हम लोग सुविधा के लिए बांटते हैं इसे। एक हिस्सा ये हो जाएगा हमारा। इसका ये मतलब नहीं कि 57 की बात की घटना इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक हो गया हमारा। दूसरा हम लेते हैं 1858 से 1947, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया था, सिलेबस में भी देखा था हमने, आजादी की लड़ाई के बारे में। 57 से ही ले लेते हैं उसे हम, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो हम लेते हैं वो है हमारा 1947 से 1991, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न इंडिया मेंस का जो सिलेबस है हम उसी को लेके चल रहे हैं, उसमें कह रहा है 1750 से वर्तमान तक पढ़ो, तो 91 तक की घटनाओं का बेहतर तरीके से विश्लेषण हो पाता है। तो हम 47 से 91 के बीच में करीब 15-16 टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं जो किसी दूसरे विषयों में नहीं मिलेंगे आपको, ना इकोनॉमी में, ना पॉलिटी में, है ना, वो हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। कम से कम 15-16 टॉपिक हम यहां भी तैयार करते हैं जिससे हम एक ओवरऑल सिलेबस को बना पाए। तो अच्छा, उसमें और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है मॉडर्न इंडिया में। आप पढ़ो, क्या पढ़ो, तो महत्वपूर्ण घटनाएं, मुद्दे, व्यक्तित्व, देश के विभिन्न हिस्सों का योगदान। अब आप समझो, ठीक है। इसलिए हमने कहा पीटी और मेंस को दिमाग से निकाल दिया हमने, सिलेबस को हमने पूरा ही सिलेबस ले लिया। 1, 2, 3 पहले हिस्से में क्या पढ़ना, जरा इसका खाका खींच लिया हम। समझ में आ रही बात सभी को ना, ठीक है। पहले हिस्से में क्या पढ़ना है, सत्रह सौ पचास से 1857 में हमें क्या पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया के पार्ट ए में क्या पढ़ना है। सिलेबस को हम ओपन कर रहे हैं, हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ब्रिटिश विस्तार। मैं भी बता रहा हूं आपको इसके बारे में, ठीक है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, है ना। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम ब्रिटिश विस्तार, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता। तो अंग्रेज आए क्यों थे भारत में, केवल अंग्रेज ही आए थे कि दूसरे यूरोपियन भी आए थे, दूसरे भी आए थे, आखिर भारत में क्यों आए, क्या करने आए, जीत कैसे लिया, मतलब उस समय क्या दशा थी हमारी, कौन कौन शासन कर रहे थे, कैसे जीता, पूरी प्रक्रिया क्या थी, बंगाल को, कर्नाटक को, मतलब अलग अलग युद्धों की बात होगी। और फिर अंग्रेजों के यहाँ गवर्नर होंगे, उन गवर्नरों की नीतियों की बात होगी ना, ये सब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में। पहला टॉपिक होगा आपका दूसरा। दूसरा टॉपिक होगा जब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। कहने का मतलब अंग्रेजों ने क्यों जीता हिंदुस्तान को, ये आर्थिक नीतियों से क्लियर होगा। कृषि को लेके क्या नीति थी, उद्योग को लेके क्या थी, व्यापार को लेके, परिवहन को लेके, बैंकिंग को लेके, है ना। इतना हम सुनते होंगे ना, भारत सोने की चिड़िया थी, अंग्रेजों ने खूब लूटा, तो अर्थव्यवस्था का खूब शोषण किया, खूब लूटा उन्होंने। तो हम उसको पढ़ेंगे वन बाई वन, कैसे कैसे उन्होंने प्लंडर किया, एक एक पॉलिसी को पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा, लूटने के लिए अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया,
ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं मुट्ठी भर अंग्रेज हैं और इतना बड़ा हिंदुस्तान है सबको जीत लिया, फिर सिस्टम बनाएंगे वो, सिविल सेवा बनाएंगे, पुलिस बनाएंगे, न्यायपालिका बनाएंगे वो, ठीक है, कानून बनाएंगे वो, उन्हें अपने लोगों को भी तो कंट्रोल करना है। संवैधानिक विकास के रूप में हम, जब मैं बताऊंगा तभी बताऊंगा, इसके तीन अलग अलग फेज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के, है ना। वो सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप करेंगे, यानी उनकी कुछ सामाजिक नीतियां भी होंगी, जैसे शिक्षा, आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब लगभग अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये भी विरासत है उनकी एक, है ना। शिक्षा नीति की बात करेंगे, सामाजिक नीतियों की बात करेंगे आपसे, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा, संवैधानिक विकास, शिक्षा नीति की बात करेंगे आपसे हम, है ना, सामाजिक नीतियों पे बात होगी आपसे। इन तीनों का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों ने जीता एक, अंग्रेजों ने क्या किया इकट्ठे पढ़ लेंगे, जब इसको मैं बताऊंगा ना तो 57 की सीमा क्रॉस करूंगा, कभी 57 से आगे की घटनाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत, वो तभी तभी समझा दूंगा आपको मैं, मेन तो 57 हमारा है, ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे अंग्रेजों की पॉलिसीज कहते हैं हमेशा। अब सवाल होता है कि भाई उन्होंने जीता भी, सारी नीतियां भी, तो हम कर क्या रहे थे, ठीक तो इसी में हम पढ़ेंगे नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, इन सब का मतलब भी समझेंगे, विद्रोह, क्रांति, आंदोलन, ये होता क्या है ना, सब सारी बातें हम लोग हर स्टेप को फॉलो करेंगे, है ना। अंग्रेजों ने जिस जिस इलाकों को जीता, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीता, तो यहां के लोगों ने विरोध किया, विद्रोह किया, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, फरेजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, घबराना नहीं, इतिहास में लोग इसी से घबरा जाते हैं, कालक्रम बहुत है ना, कुछ नहीं है, हर चीज को समझने का एक तरीका है। कहने का मतलब, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई कल आपने पूरे दिन क्या किया, मोटे तौर पे आप बता दो, सारी बात ना भी बताओ, क्योंकि आप जी रहे होते हो, वैसे इतिहास है, तो सारी बात का मतलब हर पल की बात थोड़ी बता दोगे आप, पहले घंटे में क्या किया, दूसरे घंटे में क्या किया, कल या 2 दिन पहले आपने क्या, महत्वपूर्ण बातों को बता लोगे आप, वैसे इतिहास होता है, बाइबल सारी बातें नहीं पढ़नी होती हमें, उस दौर की महत्वपूर्ण बातों को समझना होता है। हम अपने जीवन की 5 दिन पुरानी बात तो हमें याद नहीं रहती है, 5 दिन पहले सुबह कितने बजे उठे थे आप, ब्रेकफास्ट क्या किया था आपने, कब ब्रश किया था आपने, ब्रेकफास्ट के बाद आपने पहला काम क्या किया था, इतना थोड़ी याद होगा, है क्या याद, सारी बातें तो, पर कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई होगी तो वो ध्यान रह जाता है ना आपको, वैसे इतिहास भी होता है। किताब का काम होता है बहुत सारी बातों को लिखना, हम लोगों का काम होता है उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को, लेखक का काम होता है डिटेल में बताना, जिससे हमें उस काल उसकी समझ बने। फंस कहां जाते हैं हम, सारी बात को समझ लेते कि नहीं, सब बात हमें अपना तो पता ही नहीं, चले पूरे इतिहास को बायलाइन पढ़ने, इसलिए तरीका चेंज होते ही आप बस समझना है आपको कि क्या निकालना है ना। ऐसे ही अंग्रेजों ने दक्षिण भारत को जीतेंगे, फिर ऐसे जहां जहां जीतेंगे वहां वहां विद्रोह होगा, 1857 का बड़ा विद्रोह होगा। हम क्या केवल विद्रोह ही करेंगे, नहीं, धीरे धीरे एक तरफ हम अंग्रेजों को हिंसक तरीके से चुनौती देंगे, हम बट अंग्रेज, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, बहुत सारे उपनिवेश थे दुनिया में उनके, बहुत पावरफुल थे वो, हम देखेंगे कैसे पावरफुल थे वो। धीरे धीरे भारतीय समाज में एक ऐसा तबका उभर कर आएगा अंग्रेजों के कारण ही, जो चाहेगा कि नहीं हमें भी इनकी तरह बनना है, बदलना है, और भारत को आधुनिक रास्ते पे ले जाना है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा के रास्ते पे, आधुनिक शिक्षा पद्धति, वैज्ञानिक शिक्षा अपनानी है, यूरोपीय देशों की तरह भारत को भी उन्नत राष्ट्र बनाना है हमें। राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा राजा राम मोहन राय का नाम, ऐसे विद्यासागर जी और तमाम लोग हैं, धीरे धीरे वो भारत में बदलाव की शुरुआत, बोले हिंसा नहीं, हमें जागरूकता लानी है, हमें बदलाव करना है, तो हम क्या देखेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन,
सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19वीं सदी में। ये चलता रहेगा, ये आज तक चल रहा है, 2021 में भी है। आर्य समाज का नाम सुना है ना सभी ने? आर्य समाज आज भी सक्रिय है। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद का तो नाम सुना है ना? विवेकानंद के विचारों पर आधारित कई संस्था और संगठन आज भी काम कर रहे हैं। ये जो टॉपिक होगा हमारा आज तक है, बट हम तब पढ़ेंगे 19वीं सदी में, ठीक है ना? वो बताऊंगा तब मैं आपको। अंग्रेजों की चुनौतियों का हमने दो तरह से जवाब दिया, एक हिंसक और एक अहिंसक, ठीक है? धीरे धीरे क्या होगा, 1857 और उसके बाद एक तरफ हिंसक धारा और मजबूत होगी, अहिंसक धारा और मजबूत होगी। हिंसक और अहिंसक दोनों धारा को हम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे हम, कि अहिंसक तरीके से हमने कौन कौन सा संघर्ष और आंदोलन किया और हिंसक तरीके से कौन कौन सा संघर्ष और आंदोलन। जब मैं राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करूंगा करीब 13-14 क्लास के बाद, तब राष्ट्रीय आंदोलन का एक खाका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, उसके अंदर बस यही पढ़ना है, 15 अगस्त 1947 तक हमें पहुंचाया किसने, किन किन लोगों ने, किन किन संगठनों ने, किन किन नेताओं ने, जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है उन लोगों ने भी, 15 अगस्त 1947 तक का सफर तय कराने में किन किन लोगों की, किन किन आंदोलनों की, नेताओं की, उसकी एक लंबी सूची है, छोटी बड़ी घटनाओं की, कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें भी। 47 तक हम लोग क्रमवार तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा पहला फेज तो ये होने जा रहा है आपका, क्लियर? यस। इसी में हम अभी, आप दिमाग में नहीं रखना आपने पीटी मेंस, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पढ़ना, आपको फॉलो करना है। रुक रुक करके मैं आपसे बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको बजाते। जैसे देखो इस यहां पे मुझे बहुत सारी बातें पता है, बट ये पांचवी बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको? हमने नोट्स में सारी बातें दे रखी है, बट मैंने कहा इसी पांच को क्यों पढ़ो आप, ऐसी तीन को क्यों पढ़ो आप। शुरू में एक दो बार मैं समझा दूंगा आपको तथ्यों का चयन कैसे करते हैं, है ना, ताकि हम अननेसेसरी अपने आप को कैरिड ना करें, ठीक है? तो ये हमारा पहला राउंड होगा टॉपिक का। अब ब्रिटिश विस्तार में हमें क्या पढ़ना है, हर टॉपिक के भीतर हमारे सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है? इसके भीतर पढ़ना हमें यूरोपियंस के बारे में, ठीक है? यूरोप से विभिन्न कंपनियों के बारे में, ठीक है? मतलब आपको ऐसे समझना, अच्छा अंग्रेज आए क्यों भारत में, बाकी छोड़ो, कल जब मैं शुरू करूंगा ना यहां से शुरू करूंगा, अच्छा ये आए क्यों थे, थोड़ा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ पढ़ सकते हो आप थोड़ा बहुत अपने स्टडी मटेरियल से, तो आप इसको पढ़ लेना। मतलब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यदि आप पढ़ के आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सब आपको पता रहना चाहिए कि किस ऑर्डर में क्लास चलेगी। आप कुछ पढ़ना चाहो पहले से, समझना चाहो तो अच्छी बात रहती है, लेकिन क्लास के बाद जरूर पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ा दूंगा तो फिर वो टॉपिक जरूर जाके नोट से एक बार, पहले नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ्री होकर पढ़ना है। यही हम पढ़ेंगे 18वीं सदी में भारतीय राज्य के बारे में, सिलेबस क्या कह रहा है, 18वीं सदी, सदी यानी 100 साल के मध्य से पढ़ना है हमें। तो 1750 या 1800 में कौन कौन से भारत में राज्य थे, समझने वाली बात होगी सब। थोड़ा ये ना मध्यकाल का हिस्सा हो जाएगा, मुगलों का पतन हो रहा था, सब बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा एक आधा घंटा तो बैकग्राउंड बताने में लगेगा मुझे, समझाने में आपको, बट मोटे तौर पे ये तो रहना चाहिए, ठीक है अंग्रेजों ने जीता तो ये पता होना चाहिए ना उस समय किसको जीता। हम आम बोलचाल की भाषा में भी बात करें, भाई अंग्रेजों ने जीता तो किसको जीता, क्यों जीता, ये तो पता होना चाहिए ना। मैं दोनों बात समझेंगे, टेक्निकली भी समझेंगे आप कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इसमें। हम इसी में हम उनके अंग्रेजों के अभियान एवं नीतियां, अब जैसे यहां शुरू करेंगे हम कर्नाटक युद्ध से,
ठीक है, कर्नाटक वाले इलाके में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 3 युद्ध हुआ था, मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि अपने पहले यूरोपियन जो प्रतिद्वंदी है उसको हटा दे रास्ते से। ठीक है, तो वो उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड से क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करेंगे हम भारत विजय का अभियान, कर्नाटक युद्ध, 3 युद्धों की बात होगी इसमें। कर्नाटक युद्ध के बाद मैं आपको बताऊंगा बंगाल विजय, कभी आपने सुना हो पलासी की लड़ाई के बारे में, कभी बैटल ऑफ पलासी या बक्सर का युद्ध, ये सब इसमें आ जाएंगे बंगाल विजय में। जब अंग्रेज हिंदुस्तान को जीतने लगेंगे तो अपनी तरफ से वो गवर्नर को नियुक्त करेंगे यहां पे देख रेख करने के। ऐसे तो बड़ी संख्या में गवर्नर हैं, बट हिंदुस्तान को जीतने में 3 गवर्नरों की बहुत अहम भूमिका है, जिसमें पहला है क्लाइव, जिसे संस्थापक माना गया है। बंगाल विजय के बाद हम क्या करेंगे, क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्यों इसे संस्थापक कहा जाता है ना, हर एक चीज का एक बैकग्राउंड पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको लिखाऊंगा समझाऊंगा, है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइव के बाद पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली टीपू सुल्तान का तो नाम सुना ही होगा सभी ने। 4 युद्ध हुए थे, अंग्रेजों ने कैसे इस क्षेत्र पे कब्जा किया, हमें यह देखना है किन किन युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे जीता, क्या दिमाग लगाया। लगभग 100 वर्षों में हिंदुस्तान को जीत लिया था। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक और गवर्नर है जो बहुत आक्रामक तरीके से विस्तार का साथ ही मतलब पढ़ेंगे हम, वेलेजली नाम है उसका। सहायक संधि की नीति को लेकर बड़ा ही वो चर्चित रहा है, वेलेजली के बारे में पढ़ेंगे हम। इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको ये पता भी रहेगा कि हमें इसी क्रम में पढ़ना है। लगभग 3 क्लासेस पूरी चलेंगी 3-3 घंटे के इस टॉपिक सारे पे, तो आपको पहले से क्रम भी पता रहेगा। हाँ, वेलेजली के बाद पढ़ेंगे हम आंग्ल, आंग्ल अंग्रेजों को कहते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। यहां मराठों का पूरा एक परिचय दूंगा मैं, इसमें पेशवाओं के बारे में बताऊंगा, फिर 3 युद्धों के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, ये पढ़ाने के बाद आपको मैं बताऊंगा उत्तर पश्चिम में विस्तार, ठीक है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट का इलाका हो गया, उत्तर पश्चिम में विस्तार। अंग्रेजों ने ऐसे शुरू किया था, ऐसे यहां से शुरुआत करी, इसको निपटाया, फिर इधर निपटाया, फिर इधर निपटाया, फिर ऐसे करके सबको निपटा देंगे। उत्तर पश्चिम में विस्तार में पढ़ेंगे हम अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है, अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, ये भी पाकिस्तान की बात होगी इसमें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डलहौजी के बारे में, डलहौजी भी एक गवर्नर जनरल है, ठीक है, बहुत दो दो बार यूपीएससी मेंस में इस पे सवाल आ चुका है डलहौजी के ऊपर। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा आपको वन बाई वन। विस्तार से संबंधित जैसे हो ना, टॉपिक है हमारा ब्रिटिश विस्तार, इससे इतर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में। सिलेबस एक यूपीएससी क्या कहती है हमने बता दिया, अब हम चल रहे हैं अपने तरीके से। यूपीएससी कह रही है पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ो, तो हम पूरा ही पढ़ रहे हैं। नंबर एक, पहली टॉपिक में क्या पढ़ना है तो क्लियर कर दिया मैंने आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को हम समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे, नोट्स मेकिंग साथ साथ चलेगा हमारे साथ। जहां लगेगा हाँ ठीक ठीक तैयारी हो गई हमारी, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपके मेंस में या पीटी में, शुरू में पीटी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं अलग से, दोनों चीजें कवर कर रहा हूं इसमें मैं। और जैसे टॉपिक एंड होगा यूपीएससी में, अब तक जैसे 3 प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से मेंस में, तीनों क्वेश्चन धीरे धीरे बोर्ड पर रख के मैं देखो हमने टॉपिक पढ़ा, ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो कैसे इसको हैंडल करेंगे। समझ में आ रही बात, हर टॉपिक एंड होगा यूपीएससी के पिछले 10 वर्षों के सारे सवालों को बोर्ड पे हम, पीटी इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है ना, वो तो बस टिक मारना होता है हमें, ठीक है इसका आंसर ये होगा। मेंस में क्या लिखें, कैसे लिखें हम,
राइटिंग में क्या ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ स्टेप्स हैं, वो सब शुरू कर दूंगा बताना मैं आपको जैसे थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ेगा। जैसे लगा एक डेढ़ क्लास में जब आप लिखने योग्य हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी आप, तो मैं राइटिंग पे उतर आऊंगा कि कैसे हम राइटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। हम समझ में आ रही बात सभी को ना? हमने क्या कहा था, हम एक टोन सेट करेंगे कि हम कैसे आगे चलेंगे। हम हमारे जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप देखोगे हमें पांचों स्टेज को मैं फॉलो करूंगा। सिलेबस वो क्लियर हो चुका है, कहां से पढ़ना है मैंने नहीं बताया अभी आपको, ठीक है? कहां से पढ़ना है, जरा इस पे आ जाते हैं। क्लियर ना सभी को? यहां तक तो क्लियर है सभी को? देखो मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में आपके दो सोर्स होंगे। एक होगा आपका क्लास नोट्स जो मैं लिखाऊंगा, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्लास नोट्स, ठीक है? आप समझ लो मॉडर्न इंडिया की आप 80% 90%, मतलब 90% मान लो, 80 छोड़ो, 90 90 मान गए मतलब 100 हो गया, मतलब आप क्लास नोट से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना आपको, ठीक है? यानी तैयारी क्लास नोट से बेस होगी आपकी। ये पार्ट ए हो गया आपका। पार्ट बी में क्या होगा, दो रीडिंग है आपके पास, एक है स्टडी मटेरियल मिल गया आप सभी लोगों को, मॉडर्न इंडिया का बुकलेट निकालेंगे आप, थोड़ा बहुत देख वेख लीजिएगा पलट करके क्या क्या मिला है उसमें, है ना? जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पढ़ना है उसमें टॉपिक, ठीक है? बहुत सारे टॉपिक और भी ऐड मिलेंगे आपको, बट मेरे ऑर्डर में चलना है आपको, है ना? पहला बुकलेट में आपको ये सब टॉपिक मिलेगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है? पहले बुकलेट में आप स्टडी मटेरियल है। एक किताब आती है विपिन चंद्र की, किताब का नाम है आधुनिक भारत। ठीक है, इस वाले टॉपिक में मेरा सुझाव यह होता है, जो एकदम पूरे यूपीएससी को ध्यान दे रहे हैं, स्टेट को नहीं, हम स्टेट पीसीएस का भी मेंस 100% कवर कर ले जाते हैं इसमें, और डिपेंड करता है जैसे यूपी में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो 70-80% आपका यूपी के भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। थोड़ा उसमें कुछ और एफर्ट लगाना पड़ता है, वो भी तरीका है, बता दूंगा, एक दो दिनों का मेहनत है वो कवर हो जाएगा आपका। आधुनिक भारत में चैप्टर नंबर 2 मतलब मेरा सुझाव ये होता है कि मेरे क्लास के साथ साथ आप केवल चैप्टर नंबर 2 पढ़ें इस टॉपिक में। हम टॉपिक वाइज आपको या तो स्टडी मटेरियल बताऊंगा या ये किताब बताऊंगा, उसी को आप 10 बार 5 बार 1 बार आधी बार जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। पहले क्लियर कर दिया, क्लास नोट से सब कुछ है, ठीक है? मतलब सोर्स हमारे पास है, दूसरा भी हमारे पास दो दो हैं, ठीक है? बट मैं उसमें सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेंस के जिस लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग या तो फिर मैं आपको दूंगा या यही किताब देगी आपको, ठीक है? जो जहां मैं देख रहा हूं क्वेश्चंस को, ठीक है? चैप्टर पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे, 25-30 पेज का है, शुरू कर रहे हैं हम तो 2-4-5 पेज मतलब कवर होगा कल हमारे 3 घंटे में, फिर 5-7 पेज कवर करेंगे, 10 पेज ऐसे। क्लियर सभी को? स्टडी मटेरियल का क्या रोल है, हमारे पास वो सप्लीमेंट के रूप में रहेगा इस टॉपिक में, ठीक है? कुछ अतिरिक्त कभी जानने की इच्छा हुई तो हमारे मैटर में सब कुछ है। क्लियर सभी को? जैसे हमने पहले कहा कि एक ही चीज को 3 जगह से पढ़ के हम अपने आप को बहुत, याद है ना एग्जांपल दिया मैंने आपको कि एक ही बातें गांधी जी ने 20 कमरे लड़ाई ही तो हुई नितिन कर्नाटक युद्ध, तुम ग्रोवर पढ़ लो, शुक्ला पढ़ लो, जो मर्जी किताब पढ़ लो, क्या फर्क पड़ना, लड़ाई तो हुई है, वही 3 युद्ध हुए हैं ना, और ये सामान्य अध्ययन है। हमने कहा हमें 10 दिन बाद वो तीनों युद्ध याद रह जाए कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि 300 पेज पढ़ ले हमें और 3 बात भी 10 दिन बाद हमें याद
यस मैम। और बहुत, चूंकि प्रिसाइजली देखो हमारा काम क्या, जैसे मैं एक टॉपिक अभी लूंगा, इस पे न जाने मतलब हो सकता है हजारों क्लासेस हमने ली हो, हजारों घंटे हमने इन्वेस्ट किए हैं इसके ऊपर, मतलब इसी पर्टिकुलर। आपको तो वो इसी बात की तो भी, आप यहां आए हैं ना, आप तो इसी चीज को लर्न करने आए। क्या चीजें लेंदी बनाती है, क्या चीजें सरल बनाती हैं, और हम लेंदी और सरल के बीच एग्जाम के रिक्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते हम। सबके ऊपर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम वही पढ़े जिससे हमारे एग्जाम में बहुत अच्छा, जहां लेंदी हो तो वहां लेंदी बनेंगे हम भी करेंगे, जहां सरल हो वहां सरल करेंगे, बट एग्जाम से कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू के 2-3 दिन मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा तो सब समझाते हुए बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसमें ये सब बातें भी, इसको क्यों छोड़ दिया हमें, ताकि आपको एक लॉजिकली समझ बन जाए आपका। हिस्ट्री में भी दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि आप एक कन्विंस हो लॉजिकली, यस मुझे इस तरीके से लेके जाना है इसे। और फिर क्या है, एक बार ट्रैक पे आ जाएंगे आप, थोड़ा टाइम लगता है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, वो ट्रैक रहेगा आपका रोज का, मतलब ठीक है, 14-15-16 दिनों के बाद आपको लगेगा जैसे आप चूंकि पहले बस तो है नहीं हमारे, है ना, आपको लगे जैसे देश को आजादी कर आजाद दिलाने में आप भी संघर्ष में हमारे साथ। 15 अगस्त 47 जब आएगा आखिरी क्लास जब होगी 25वीं 26वीं, तो आपको लगेगा जैसे हमने ही आजाद देश को, ठीक है, तो आप इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे इस विषय में, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, हर चीज किताबों के अंदर है, समझना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, केवल समझ के आधार पर लिखे जा सकते हैं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा बल होने जा रहा है क्लास के अंदर, ठीक है, वो कई टॉपिक को मिला करके एक नया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, हम आप देखोगे धीरे 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 आप उस लेवल को अचीव करोगे। और अभी पेपर जनवरी में है, फर्स्ट वीक में स्टार्ट, एंड में स्टार्ट हो जाएगा मेंस का पेपर, जितना टॉपिक हमने कवर किया उसमें से कोई भी सवाल आ गए मेंस के, हम देख लेंगे लगे यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम में हम अच्छा, पुराने सवालों को सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट वो सवाल हूबहू तो आते नहीं, ठीक है, हर बैच में कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ मैं, हमारा मकसद क्या आगे की तरफ, पीछे से सब लेयर बाई लेयर, अब आगे की तरफ हमें आक्रमण करना है एग्जाम, तो हम उसको देख लेंगे, हम टॉपिक कवर हो ही जाएगा, आगे के एग्जाम्स वगैरह में भी कोई इश्यू, हिस्ट्री स्टैटिक विषय है, ठहरा हुआ विषय है, टॉपिक क्लियर है इसके, ठीक है ना। आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो हिंदुस्तान में कोई नहीं लिख पाएगा मेंस में, इतना मैं आश्वस्त रहता हूँ। आपको प्रॉब्लम होने का मतलब है कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, काफी अपडेटेड रहता हूँ मैं चीज़ों को लेकर के, इसलिए हार्डली मैटर करता है। तो मेंस में 100% कवर करके चलेंगे हम चीजों, पीटी में 100% कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, किसी के बस में नहीं है, आप जितना एफर्ट लगाइए, मैं एक दायरा खींच दूंगा, जितना आपको हिस्ट्री में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ठीक उसके पास मैं रख दूंगा, 2 अधिक हो सकता है 1 कम हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के कारण तो कल क्वालिफाई करेंगे नहीं आप, कभी कभी ऐसा हुआ कि सारे सवाल भी आ गए, वो किसी के बस में नहीं होता, हमें क्वालिफाई करने से मतलब है, वो भी तरीका बताऊंगा आपको कैसे होता है वो, ठीक है। तो आज वाली क्लास के बारे में बताया, एक स्पेक्ट्रम करके आप देखोगे, मतलब किताब है, गाइड जैसी किताब है, उसमें कलेक्शन सारा मॉडर्न इंडिया का है, अच्छी अच्छी किताबों का है, बहुत क्लियर है कि आप या तो स्टडी मटेरियल यूज करेंगे या स्पेक्ट्रम यूज करेंगे। बार बार सवाल मत पूछिएगा, सर मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, किसी ने पढ़ रखा है आपको लगता है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मटेरियल रहने दीजिएगा, बस उसमें क्या होगा कि मैं आपको गाइड करूंगा मटेरियल से, जैसे मटेरियल में ये पढ़ के आना, आप वो टॉपिक आप स्पेक्ट्रम से देख लिया करिएगा, हिस्ट्री में चीजें बदलती नहीं, हमने पहले कह दिया आपको, अच्छी किताब है वो भी, टोटली अप टू यू, ठीक है, क्लियर ना सभी को, आप मटेरियल या स्पेक्ट्रम मैं बताऊंगा यहां से भी पढ़ने के लिए, जब मैं यहां से कहूंगा तब स्पेक्ट्रम से पढ़ लिया करिएगा जितने स्टूडेंट्स हैं,
किताब तो जो मैं शुरू में ही कहूंगा आपको तीन चार टॉपिक में, फिर किताब की इतनी भूमिका नहीं है, क्योंकि शुरू के तीन चार टॉपिक किताब से ही बेहतर पकड़ बनेगी उसकी, जो थोड़ा बहुत कमी रह जाती है समझने में ना, तो किताब आप बार बार पढ़ोगे तो, अदरवाइज क्लास लेक्चर इज इनफ, जो मैं नोट्स लिखाऊंगा समझाऊंगा इनफ है। क्लियर? समअप करें एक बार हम लोग आज की बात को। क्लास की शुरुआत में मैंने तीन बातें बताई, जितने भी सफल लोगों को हमने देखा है उसमें डेडिकेशन, यहां विवेकानंद की दो बातें बताई मैंने आपको, ठान लो तो संभव कुछ भी नहीं है, और रोज एक बार अपने आप से बातचीत, हमने आज क्या किया। आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में बस सिलेबस का अंतर है, जो पहले दिन से ट्यून बना लेगा ना वो बहुत जल्दी चीजों को गियर में ले लेगा। सब एक बराबर पे होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा ना सभी को, सबके लिए चैलेंजेस होंगे उसको संभालना, तो तभी तो मेंटल एबिलिटी और क्षमता हमारी एक इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, आप एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं। हमने शुरू में कह दिया ना, इससे थोड़ी कि भाई ये सलमान खान है इसका सिलेक्शन ले लो, उसको क्या करना है उसे सलमान खान से, या अभिषेक बच्चन आ गया या जो भी ऋतिक रोशन आ गया, उसके उसे मतलब ही नहीं है। दूसरी बात हमने बताई, सिलेबस है इसका तो है, हम तरीके से कवर करेंगे उसे, हम सबको ही कवर करते तो बनते हैं। कुछ बेसिक बात क्लास के बारे में बताई, क्वेश्चंस पूछने वगैरह को लेकर के, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सब जो भी मन में आए नोट करते रहिएगा आप सब, रखा हमेशा पेन, डाउट्स खत्म करते जाना हमें, ठीक है। इसके बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि देखो पांच बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, सिलेबस कहां से पढ़ना है, अभी जैसे देखो मॉडर्न इंडिया का क्लियर कर दिया ना कहां से पढ़ना है, मैं पीटी हो या मेंस इसके अलावा नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ना है धीरे धीरे और भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाएंगे और अभ्यास, तीन बातें रह गई ना, कल से शुरू कर देंगे ना हम कैसे पढ़ना है। देखो टॉपिक क्लियर कर दिया हमने, कैसे पढ़ना है इस पर नोट्स बनने भी शुरू हो जाएंगे, जब कुछ टॉपिक हो जाएंगे इसमें तो हम अभ्यास पे आ जाएंगे, वेरी सिंपल। स्टेशन क्लियर है यूपीएससी में, एक बार ध्यान रखना आप, स्टेशन ज्यादा है, आप समझ लो कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करनी है आपको, अलीगढ़ नहीं जाना, बस यही अंतर है, स्टेशन ज्यादा है इसमें, सब स्टेशन का ध्यान रखना है आपको, इतना ही है, ठीक है। और प्रतियोगिता हमेशा आपके बीच में होगी, हमेशा ध्यान रखिए आपके बीच में होती है, सब एक ही लेवल पे आते हैं, और ये 1.5-2 साल होता है जीवन बदल देता है, पीछे आपने क्या किया, थर्ड डिविजनर थे, खींच खींच के पास किया आपने किसी तरह से गिरते पड़ते, या लगातार रैंक होल्डर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आईएएस है या नहीं है ये मायने रखता है, आपको लोग कुछ किसी नाम से जानते हो, जिस दिन आप क्वालिफाई करेंगे ना बोलेंगे तो स्कॉलर है, विद्वान है, आप जब बन जाएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे तो लोग आपको विद्वान मानेंगे, हमें नहीं, ना माने हमें, बट आप क्वालिफाई किए, समाज इस नजर से देखता है। अब वाकई दायरा तो बढ़ता ही है स्टूडेंट्स का, ज्ञान का दायरा बढ़ जाता है उनका। फिर अब हम लोग आ गए हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री में पीटी और मेंस का सिलेबस क्लियर कर दिया मैंने आपको, थोड़ा एग्जाम के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। आज आपको क्या करना है, मौका मिले तो क्वेश्चन पेपर आप आज ले लीजिएगा, पढ़ सकते हैं एक बार, तो सारे क्वेश्चंस पेपर पिछले साल के जो पेपर होंगे पीटी के और मेंस के, पढ़ लीजिएगा पूरा सिलेबस, आप एक बार पढ़ लीजिएगा बिना कुछ पूर्वाग रह के, और हिस्ट्री वाले सिलेबस को कई बार पढ़िएगा, हमने जो कहा वो कुछ बातें उसमें दिख रही कि नहीं दिख रही, समझ में आ गई बात, आज का होमवर्क है। और मन करे आपको तो किताब से जो दूसरा चैप्टर हमने बताया है
दो चार पेज, ज्यादा नहीं, दो पेज तीन पेज ऐसे मन करे आपको तो मैक्सिमम, अदरवाइज नहीं। कल प्लेन कॉपी लेकर के क्लास में आप सभी लोग, क्लियर ना सभी को? होमवर्क क्या दिया मैंने आपको, क्या क्या हमने आपसे बात करी आज, है ना? कल हम लोग सीधे अब टॉपिक पे ही हैं, आ चुके हैं, कल इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल हो आपके मन में तो बता सकते हैं। हर सवाल को नोट करिएगा, 12-14 दिनों में हम सारे सवाल को, सबसे पहले आपको हम राइटिंग वाले ट्रैक पे ला रहे हैं 3 दिनों के अंदर में। पहला एजेंडा यही होता है हमारा, सब लिखने लग जाए, ठीक है ना? मेरी प्रायोरिटी यही होती पहले, क्लियर? जो तो सवाल हो नोट करिएगा, फिर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।